हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन डीसीएम टेस्ट सीरीज में मैथमेटिक्स का पेपर 18 डिस्कस करते हैं। डीटीएस 18 में मैथमेटिक्स का पेपर। इस पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में सिंगल चॉइस और पैसेजेज हैं, सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, मोर देन वन, और सेक्शन डी में बेटा इंटीजर के टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज लेट एफ आर टू आर वी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ जीरो आपको 5 गिवन है एंड एफ डैश 5 आपको माइनस गिवन है, माइनस वन गिवन है। तो देन आपको 1/1 ऑप्शन को वेरीफाई करना है। ऑप्शन क्या है? एक्स टेंस टू 4 पे एफ एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको, एफ ऑफ मॉड एक्स के नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, एफ ऑफ मोड एक्स के होल मोड के नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, और एफ एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बाउंडेड बाय एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दिस फंक्शनल प्रॉपर्टी की हेल्प से फंक्शन एफ एक्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इसके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या है, आप डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला यूज करो, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। उस फॉर्मूले में आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच को दिस की हेल्प से स्प्लिट कर सकते हो, और देन अपन उससे एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो जब भी आपको फंक्शनल प्रॉपर्टी गिवन हो और देन आपको फंक्शन एफ एक्स को करना फाइंड आउट, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आप जो फंक्शनल प्रॉपर्टी गिवन है इसका क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, लेट वाई एज कॉन्स्टेंट। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है डिफरेंशिएशन वाई को कॉन्स्टेंट लेट करते हुए। तो देखो टू एज इट इज एफ का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और बेटा एक्स का 1 वाई का 0 तो 1/2 आ गया, एफ वाई कॉन्स्टेंट है 0 हटाओ और इधर आ गया एफ डैश एक्स। इतना आने के क्या के बाद क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड में है इसको तो बनाना है आपको एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स, और इधर लेके आना है कॉन्स्टेंट। ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। कुछ बच्चे बोले देखो इसको एफ डैश लाना है तो इसमें वाई को 0 लोगे तो एफ डैश एक्स वाई टू आएगा, मजा नहीं आएगा आपका। तो बेटर ऑप्शन यही है, इसमें क्या करोगे आप, ऑलवेज एक्स को तो 0 पुट करना है, तो इधर तो आ गया एफ डैश 0 और इधर आ गया एफ डैश वाई अपॉन टू, और वाई की जगह एक्स लाना है तो वाई को रिप्लेस कर दो बेटा 2x से, फिक्स है क्वेश्चन। जैसे ही करोगे तो देखो क्या आ गया, 0 प्लस 2x 2x, तो ये तो आ गया, हाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, इधर तो आ गया एफ डैश एक्स, इधर आ गया एफ डैश 0। तो फाइनली क्वेश्चन आ गया, एफ क्या गया, एफ डैश 0 इक्वल टू सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन में एफ डैश 5 की वैल्यू गिवन है -1, तो देन जब आप इसमें एक्स को 0 लोगे सॉरी एक्स को 5 लोगे तो एफ डैश 5 आपका एफ डैश 0 के इक्वल होगा। तो इसमें पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल टू 5, तो देन एफ डैश 0 क्या होगा, एफ डैश 5 की इक्वलेंट, और एफ डैश 5 आपका -1 है, तो एफ डैश 0 -1 आ गया। तो देन इससे होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -1। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस सी। और वंस अगेन क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, एफ ऑफ 0 आपका बेटा 5 है, तो एक्स को 0 लोगे तो एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5, तो इंप्लाइज दैट इससे आ गया सी इक्वल टू 5। सी 5 आने के बाद फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू -x+5। तो 1/1 ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स -4। तो देखो एक्स को 4 लोगे तो 1 की पावर इन्फिटी आ गया ना, ये तो 1 आ गया, और 1 अपॉन 0 इन्फिटी। तो 1 की पावर इन्फिटी को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या था, जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो क्या लगते हैं, e की पावर में तो लगा दो लिमिट,
और पावर को आगे लो और इस बेस में से वन कर दो कम। तो जैसे ही पावर को आगे लोगे तो क्या आ गया, वन अपॉन एक्स माइनस फोर, इसमें से वन कम किया तो ये आ गया फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर, तो ये कट पिट के आ गया माइनस वन। तो देन इसका आंसर क्या होगा, वन अपॉन ई। बट अपने फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ई, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका होगा रॉन्ग। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, ये एफ एक्स है आपका, एफ ऑफ मोड एक्स के नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। तो एफ ऑफ मोड एक्स के लिए एक्स की जगह ले लो मोड एक्स, ले लो, ये आ गया माइनस एक्स का मोड प्लस फाइव। तो देखो माइनस मोड एक्स का डायग्राम तो ऐसे होगा ना, ये माइनस मोड एक्स का डायग्राम है, और इस माइनस मोड एक्स के डायग्राम में जब फाइव ऐड करोगे तो क्या होगा, डायग्राम थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये किसका डायग्राम बोलो, दिस पार्ट का। तो ये टोटल आपका, सॉरी ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये ओनली वन पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। एफ ऑफ मोड एक्स आपका वन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है, और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है एफ ऑफ मोड एक्स का होल मोड, मतलब इसका वंस अगेन एक बार मोड और लोगे तो देखो क्या होगा, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, दिस 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 एंड दिस। तो ये अब आपका थ्री पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन तो सिंपल है, इस कर्व से बाउंडेड बाय एरिया बताना है एक्सिस के साथ। तो कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, एक्स को जीरो लोगे तो वाई फाइव, और वाई को जीरो तो एक्स फाइव, तो ये लो ये भी फाइव ये भी फाइव, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू फाइव, तो इसका एरिया क्या होगा, 25/2। बट थर्ड ऑप्शन में आपको 25 गिवन है, तो इसका ओनली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि एफ ऑफ मोड एक्स का होल मोड इज नॉन डिफरेंशियबल एग्जैक्टली थ्री पॉइंट्स। ठीक है चलो, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन फिल करोगे, इज नॉन डिफरेंशियबल एग्जैक्टली थ्री पॉइंट। ठीक है चले, उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ बी डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन ओपन ब्रैकेट 0 to ∞ एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एल, वेयर एल इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब एल एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन विच ऑफ दी फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन 100% सही होगा। तो देखो ऑप्शंस क्या बोले गए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स को जीरो मानो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स को एल एड करो, ये हो सकता है क्या, या क्या एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे दोनों की वैल्यू एल बाई टू ले सकते हैं क्या, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स को एल और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स को जीरो ले सकते हैं क्या, ऑलवेज कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो क्या करोगे इसके लिए, जीरो से इन्फिनिटी में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी में ऑलवेज आपका डिफरेंशियबल है और कॉन्टिन्यूस है, जब डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ऑलवेज। तो देखो केयरफुली, आपने अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स को जीरो माना और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स की वैल्यू को एल एड किया, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जीरो पे इन्फिनिटी पे इसको जीरो पे लेके आना है, तो इन्फिनिटी पे जब जीरो लेके आओगे तो देखो एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये लो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ टेंड करता आपका, तो जब ये इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ टेंड करेगा तो इस पे इन्फिनिटी पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी, इसका मतलब उस केस में इसका स्लोप जीरो होगा, किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी, बट इसने इसको एल लेट किया है। अब आप बोलोगे सर एल को जीरो मान लो, बट एल तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना, वो 1 to 3 भी हो सकता है, तो देन ये ऑप्शन तो उसका होगा गलत। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, डायग्राम तो ले लिया आपने, बट ये इन्फिनिटी पे इसमें लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स तो जीरो होगा, बट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स भी आपका जीरो होगा। ठीक है ना, तो अभी तो इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं मानना है। अगर एल बाई टू लोगे तो क्या होगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स की वैल्यू अगर एल बाई टू है, तो ये कह रहा है कि अब आप एक बात खुद सोचो ना,
जो इन्फिटी है, इन्फिटी भी डायग्राम का बिहेवियर और कैसा हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, जैसे एल को कोई फिक्स वैल्यू मान लेते हैं, एल को 1/2 मान लो आप, तो ये कह रहा है कि एक्स टेंस टू इन्फिटी पे एफ एक्स की वैल्यू अगर 1/2 की तरफ टेंड करती है, कोई भी फिक्स नंबर की तरफ टेंड करती है, देखो ब्लैक बोर्ड पे, जैसे लेट एल बाई टू की लाइन ये लेट की आपने, ये लेट एल बाई टू की लाइन है, अब इन्फिटी पे एल बाई टू की तरफ टेंड करा ना आपको, तो या तो रफली डायग्राम ऐसे बनाओगे, ये लो सर इन्फिटी की तरफ टेंड करा दो, इन्फिटी पे एल बाई टू की तरफ टेंड, या फिर तो इसका मीनिंग क्या है कि एल बाई टू पे ये टेंड तो करता है इन्फिटी, एक्स को इन्फिटी लेने पे एल बाई टू की तरफ टेंड तो करेगा, बट इस केस में वंस अगेन टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। अब बात आती थर्ड ऑप्शन की, एक्स टेंस टू इन्फिटी पे एफ एक्स अगर एल है एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिटी पे एफ डैश एक्स अगर जीरो है, तो हाँ ये फिक्स है आंसर, क्योंकि अब इसमें एल चेक कुछ भी लोग क्या फर्क पड़ता है, इसमें जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है आपका, इसमें अगर एल जीरो ले तो कि इन्फिटी पे एफ एक्स जीरो है तो एफ डैश एक्स भी जीरो आ गया, और इन्फिटी पे एफ एक्स को एल मान तो, एल का मतलब ये वाला डायग्राम देखो ना, इसमें ये अगर एल एड करते हैं तो हाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जीरो की तरफ टेंड कर सकती है। सिंपल सी बात है, एक्स टेंस टू इन्फिटी पे एफ एक्स की वैल्यू अगर फिक्स्ड क्वांटिटी है तो 100% एफ डैश एक्स उसका ऑलवेज जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स का मीनिंग तो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मोड, टू मोड एक्स का होल मोड और कोमा मोड एक्स है, इन दोनों का जो मिनिमम है, सॉरी इन दोनों का जो मैक्स है उसको तो एफ एक्स मानना है, और इन दोनों फंक्शन का जो मिनिमम पार्ट है उसको जी एक्स सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एफ एक्स और जी एक्स कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, तो चलो अपन एक बार इन दोनों के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन तो क्या है, इसको y मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू मोड एक्स का होल मोड है, ठीक है। तो इसको एक काम कर सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर, तो मोड एक्स कॉमन लेने पे आ गए मोड एक्स माइनस के टू, बोलो ये सुनो, एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लिखोगे तो देखो मोड एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो होगी और ये प्लस माइनस टू पे आपकी जीरो होगी। तो इसके डायग्राम की जब आप बात करोगे तो देखो क्या होगा, अरे यार ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ना, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डायग्राम जीरो पे जीरो, टू पे जीरो, तो ये डायग्राम ऐसे जाएगा यूं, और ये अपन का इवन फंक्शन है तो इधर भी डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ये डायग्राम है ओनली अंदर वाले पार्ट का, और इसका मोड लोगे तो नेगेटिव पार्ट भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसके जब डायग्राम की बात करोगे एग्जैक्ट डायग्राम की, तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे, दिस पार्ट ये फर्स्ट फंक्शन का डायग्राम y का, और y इक्वल टू जो मोड x का डायग्राम है ये देखो, ये माइनस टू जीरो टू, और ये वन पे वैल्यू वन देगा, देखो माइनस वन पे और वन पे वैल्यू इसकी वन होगी, ठीक है। और y इक्वल टू मोड x का जो डायग्राम है वो ऐसे ही पास होगा, ऐसे ही यूं, और ये कहीं इस पॉइंट पे क्या करेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझ सकते हो। अब फर्स्ट पार्ट में तो बोला गया है, फर्स्ट पार्ट का मीनिंग एफ एक्स को क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला डायग्राम, तो इसके ऊपर वाले डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो ऊपर वाला डायग्राम देखो कौन सा होगा, ये इसका ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है ना, ये लो, मतलब मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला डायग्राम लेना पड़ेगा, तो देखो ऊपर वाला डायग्राम लोगों तो ये आ गया, तो
तो देखो कितने टोटल शार्प कॉर्नर हैं इसके एफ एक्स के, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो एफ एक्स फंक्शन है ये तो टोटल आपका 5 पॉइंट पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। और जी एक्स में लेना है मिनिमम, तो देखो मिनिमम में क्या होगा, जब नीचे वाला पोर्शन लोगे तो उसमें ये पॉइंट तो आने ही आना है अपना, ये पॉइंट आने के बाद क्या होगा, देखो इसके डायग्राम में ये वाला पोर्शन होगा, ये डायग्राम सॉरी ऐसे था, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन में कुछ नहीं होगा, इसमें ये दो पॉइंट आपके एक्स्ट्रा, जब आपने इस डायग्राम को ऐसे लिया था यूं और यूं, और y इक्वल टू मोड एक्स का डायग्राम था ऐसे यूं, तो जब इसका मिनिमम लोगे तो मिनिमम में दिस पोर्शन, ठीक है, फिर ये लोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, ये दो पॉइंट आपके एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, तो आपका जी एक्स फंक्शन टोटल 7 पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। तो एफ एक्स तो 5 पॉइंट पे होगा, जी एक्स आपका 7 पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन, सॉरी इसके अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा बोलो, सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में सिंपल एक इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें देखो क्या करना है, बेसिकली अपन को इसमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें देखो टेन इनवर्स एक्स प्रेजेंट है, सेक के अंदर रूट के अंदर 1+x² है, और कॉस इनवर्स के अंदर ये आ रहा है। तो देखो ढंग से केयरफुली, जब आप इसमें पुट करते हो एक्स को टेन थीटा, तो देन यू विल गेट दी सॉल्यूशन। तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स को सिंपल टेन थीटा पुट कर दें आप, तो जब x को tan थीटा पुट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल तो e की पावर थीटा, 1+tan²θ sec स्क्वायर थीटा आ गया, ये लो ब्रैकेट में, हाँ 1+tan²θ sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा, sec से sec कैंसिल तो ओनली आ गया थीटा स्क्वायर, प्लस 1-tan², 1+tan², दिस इज cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल तो ये आ गया 2 थीटा, और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर कैंसिल आउट। ये करने के बाद क्या करो, दोनों पे लगा दो सेपरेट इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ सेपरेट, e थीटा को इसके साथ सेपरेट कर दो, तो क्या आ गया क्वेश्चन देखो, थीटा स्क्वायर इंटू e की पावर थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर थीटा इंटू 2θ d θ। इतना आने के बाद क्या करो, आप फर्स्ट में जैसे आईलेट अप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले पार्ट से कैंसिल आउट। तो देखो आईलेट लगाने के लिए इसको तो मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, तो आईलेट मेथड में क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखो देन i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन e की पावर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा e की पावर थीटा डी थीटा प्लस बाद वाला पार्ट है जेटी, तो देखो बाद वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया थीटा स्क्वायर ई थीटा। तो देन वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो कितना आ जाएगा ये, टेन इनवर्स एक्स इंटू थीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपन को, क्या चाहिए, थीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो थीटा स्क्वायर का मतलब क्या था, यही था ना, अरे ये क्या था, थीटा स्क्वायर, तो सिंपल इसी को लिख देते हैं, तो ब्रैकेट में क्या होगा, sec इनवर्स दिस पार्ट प्लस सी, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देख सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो क्या करना है, देखो द वैल्यू ऑफ t फॉर विच
दिस अपॉन दिस इज मैक्सिमम लाइज इन द इंटरवल, मतलब टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी जिसके लिए दिस अपॉन दिस इज मैक्सिमम। तो क्या करो, देखो सुनो, क्वेश्चन के अंदर टी और एक्स का रोल है, तो ये मतलब ये साइन का, ये साइन एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो जब ये जो लिमिट है किसकी लिमिट है, एक्स की, क्योंकि डी एक्स है ना दोनों तरफ, तो ये एक्स की लिमिट है। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट पुट करोगे तो एक्स की जगह तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे, तो देन जो फाइनल फंक्शन होगा वो ओनली आपका टी का फंक्शन होगा। मतलब ये जो गिवन है आपको फंक्शन, आप इसको जी टी लेट कर सकते हो कि टी का फंक्शन है। तो आपसे पूछा गया कि व्हेन जी टी इज मैक्सिमम देन टी लाइज इन विच इंटरवेल, कि टी किस इंटरवेल में लाई करेगा। तो उसके लिए क्या करो, इसका फटाफट अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे न्यूमीटर का तो सीधा इंटीग्रेशन क्या आ गया, जी टी इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, टी कॉन्स्टेंट है और कॉस एक्स का आ गया साइन एक्स, लिमिट लगा देना है जीरो से पाई बाई टू, अपॉन में क्या लिखोगे रूट ऑफ जीरो से पाई बाई टू। इसमें क्या करना है, सीधा लिखा जाएगा, पहले इस स्क्वायर को ओपन करो आप, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स को लिखना वन माइनस के, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन थोड़ी देर बाद, वन माइनस के कोस टू एक्स बाई टू, प्लस होगा टी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते वन माइनस सॉरी वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू, एंड जब प्लस के टू ए बी करोगे तो टू ए बी, तो क्या टू ए बी करने पर जाएगा टू टी साइन एक्स कोस एक्स, तो टी तो कॉन्स्टेंट है, टू साइन एक्स कोस एक्स इज साइन टू एक्स, तो यह जाएगा टी साइन ऑफ टू एक्स। ये लो, अब इसका करते इंटीग्रेशन, फिर लिमिट लगा देते और बाद में इसका रूट लेना है। तो देखो जब ये कार्यक्रम करोगे तो इसको रफ में देखो आप सभी, वन का करोगे तो एक्स आ गया, या वाई टू कर दो साथ ही साथ, कोस टू एक्स का माइनस के साइन टू एक्स अपॉन फोर, क्योंकि टू से डिवाइड भी करना है, प्लस टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और कुछ नहीं होगा, इसमें माइनस की जगह प्लस जाएगा बीच में, ठीक है ना, और प्लस साइन का माइनस, तो सिंपल माइनस टी साइन टी का माइनस के कोस टू एक्स अपॉन टी। ये आने के बाद इस पर लगा देते हैं अपन इंटीग्रेशन की लिमिट। तो देखो जब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, सीधा सुनो रे, एक्स को पहले अपर लिमिट पुट करो पाई बाई टू, तो ये आ गया पाई बाई फोर, ये साइन पाई जीरो बन गया, हटाओ तो क्या आ गया पाई बाई फोर आ गया, इधर आ गया पाई बाई फोर प्लस जीरो, मतलब ओनली पाई, अरे सही है ना, ये पाई बाई फोर माइनस जीरो, ये पाई बाई फोर प्लस जीरो, तो ये तो बन गया पाई बाई फोर, ये बन गया पाई बाई फोर इंटू टी स्क्वायर। तो फाइनली आ गया जी टी इक्वल टू, न्यूमेटर में तो देखो सीधे लिख देते हैं, या पहले रूट देख लो क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर इंटू टी स्क्वायर, और उसके बाद जब आप पाई इसमें रखोगे पाई बाई टू, तो कॉस पाई माइनस वन, तो प्लस के टी बाई टू बन जाएगा, प्लस के टी बाई टू आने के बाद फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को जब जीरो लोगे, जीरो 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 कॉस जीरो वन, तो माइनस टी बाई टू है, लेकिन माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस टी बाई टू, तो प्लस टी बाई टू का मतलब ये आपका टी आ गया। और न्यूमेटर में देखो रे, कॉस पाई बाई टू जीरो तो टी, माइनस कॉस जीरो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ये फाइनली आपका जी टी आ गया। अब इसमें एक काम कर सकते हो, इसको फोर से मल्टीप्लाई और कर देना चाहो तो, जब आप इसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमेटर में तो आ गया टू टी प्लस टू अपॉन रूट ऑफ कितना, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस पाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसका जैसे जी डैश टी करोगे, जी डैश टी, और जी डैश टी को जीरो करोगे तो t इक्वल टू वन पे ये देगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू। टेंशन मतलब वो सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन है n अपॉन d से, जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एलसीएम लेने से ये रूट हट जाएगा आपका, क्योंकि अपॉन में तो होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो न्यूमेटर में ये आने वाला है कुछ कॉन्स्टेंट होगा ब्रैकेट में t माइनस वन, तो प्लस माइनस, या सॉरी माइनस कॉमन होगा तो माइनस प्लस लगाओगे नंबर लाइन पे। मैं लिख देता हूं सीधा, जब आप इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो देन वी विल गेट, देखो
तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो जी डैश टी, एक सेकेंड, तो इसका जो जी डैश टी है वो आने वाला है ऐसे माइनस ट्वाइस ऑफ एक, रफली आंसर बोल रहा हूं मैं आपको, अपॉन में होल स्क्वायर होगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट, नंबर लाइन पे टी वन पे वन, तो माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस जाने पे क्या होगा मैक्सिमा, तो टी इक्वल टू वन पे दिस अपॉन दिस की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो देन इसने पूछा कि टी लाइज इन विच इंटरवेल, तो चलो वन बाई वन देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट आने वाला, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, होना चाहिए सबसे। चलो तो देखो इसका 3/4 से 3/2 तो 1 इसके अंदर इन्वर्ट होगा, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन क्या बोला गया है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फोर विच द इक्वेशन ई की पावर एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 3 रियल सोल्यूशन, अगर इस इक्वेशन के 3 रियल सोल्यूशन हो तो बताओ इसके क्या हो 3 रियल सोल्यूशन, तो आपको C की मिनिमम नेचुरल वैल्यू को फाइंड करना है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर C। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली अपन को देखो इसको इधर लिखते हैं इक्वेशन को, e की पावर x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, अगर आप इसमें दोनों के डायग्राम को सेपरेट ड्रॉ करते हो कि चलो सर लेफ्ट और राइट दोनों का डायग्राम बनाओ और वो थ्री पॉइंट पे जब जब कट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेक कर सकते हैं कि C की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऐसे करने पे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आपका। देखो सी एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसे होगा रफली और ई की पावर एक्स का डायग्राम ऐसे होगा, तो आपको थ्री पॉइंट पे कट कराने के लिए कुछ डायग्राम को ऐसे में ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सोचना कॉम्प्लेक्स है कि क्या करें इसमें, ठीक है ना भाई, इधर तो एक पॉइंट पे कट करेगा बट इधर ये टू पॉइंट पे कट करवाना ही पड़ेगा आपको अगर इसकी थ्री सोल्यूशन लेके आने हैं, तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है ऐसे ना करके क्या करो, देखो आप इस e की पावर x को उधर भेज दो और c को डिवाइड में ले आओ आप, तो इसको ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, वन अपॉन c इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, अब आप इस राइट साइड को वायलेट करो तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स और एक आ गया y इक्वल टू वन बाय सी, अब आप आराम से देख सकते हो क्योंकि तो अब इसका डायग्राम इजीली बना सकते हैं डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से, और y इक्वल टू वन अपॉन सी की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करो कि उस कर्व को एग्जैक्टली थ्री पॉइंट पे क्या करनी चाहिए इंटरसेक्ट, तो उसका क्या प्रोसीजर है इसका करो पहले डिफरेंशिएशन, तो y डैश क्या होगा x स्क्वायर का आ गया 2x, दिस पार्ट एज इट इज, e की पावर x का सॉरी e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, तो माइनस आ गया ना, तो देन आप इसमें से कॉमन ले सकते हो माइनस x e की पावर माइनस x, तो देखो e की पावर माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स कॉमन लेने पर जाएगा एक्स माइनस के टू, अब ये करने के बाद देखो नंबर लाइन बनाते हैं, ये जीरो पे जीरो हो गया टू पे, आगे माइनस है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हटाओ, आगे माइनस है तो स्टार्टिंग करोगे माइनस प्लस माइनस, मतलब जीरो पे लोकल मिनिमा होगा और टू पे लोकल मैक्सिमा, तो देखो इसका एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, जीरो पे इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी, हटाओ जीरो पे जीरो आ गया, फिर वैल्यू ये एफ डैश एक्स का डायग्राम है तो जीरो से टू में एफ डैश एक्स इंक्रीज करेगा बाद में वन सेकेंड डिक्रीज, तो टू पे वैल्यू क्या होगी इसकी फोर अपॉन ई स्क्वायर, एक्स को टू लेने पे फोर अपॉन ई स्क्वायर आ गया, मतलब डायग्राम यू जाएगा और बाद में देखो जीरो की तरफ जाने वाली है क्योंकि एक्स को जब इन्फिटी लोगे क्या लोगे इन्फिटी, तो ये तो आ गया इन्फिटी का स्क्वायर इन्फिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, तो एक लार्ज नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कहाँ होगी जीरो की तरफ टेंड करेगी, या फिर ऐसे समझ सकते हो x को इन्फिनिटी लेने पे ये इन्फिनिटी इनटू जीरो फॉर्म है, तो आप इसको लिमिट की हेल्प से सॉल्व करोगे तो वंस अगेन ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करने वाली है, तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे, और इधर देखो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी वंस अगेन, तो डिक्रीज करने के लिए देखो x को जब माइनस इन्फिनिटी लोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिटी पे इन्फिटी की तरफ होगा डायग्राम, मतलब रफली डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ये लो यू ये डिक्रीज कर गया बाद में इंक्रीज फिर वन सेकेंड डिक्रीज,
और वाई इक्वल टू वन अपॉन सी की लाइन को जब आप ऐसे बनाओगे तो इसको क्या करती है बोलो, थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब सी की जो वैल्यू है वो हमेशा इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए ना। सी का मतलब वन अपॉन सी, तो वन अपॉन सी इज लेस देन इज फोर अपॉन ई स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करने पे जाएगा सी ग्रेटर देन ई स्क्वायर अपॉन फोर। तो ई स्क्वायर की जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये चार से बड़ी होगी ना, 2.7 का स्क्वायर, तो फोर से ग्रेटर, फोर से ग्रेटर अपॉन फोर। सी की वैल्यू क्या होगी, वन से ग्रेटर, वन पॉइंट समथिंग से ग्रेटर। तो क्या कह रहा है, सी की मिनिमम नेचुरल वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी की मिनिमम वैल्यू आपकी टू होगी इंटीजर। तो देन आपको इसका सेकंड ऑप्शन फिल करना था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दी कर्व दिस पार्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस के 1/3 इज दिस पार्ट देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो माइनस के 1/3 है तो आपको इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन को करना फाइंड आउट। तो देखो जब भी किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन को करना फाइंड आउट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डी ओवर डी एक्स उसमें पॉइंट पुट करो, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या करना है, देखो इसका डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले लॉग हटाओ, एक्स माइनस के 1/3 है। इसका मीनिंग क्या है, एक्स की जो वैल्यू है ना आपकी वो माइनस वन से जीरो के बिटवीन, ऐसे समझो आप। तो जब एक्स माइनस वन से जीरो के बिटवीन होगा तो मोड एक्स आपका माइनस के साथ ओपन होगा, तो क्या गया, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का होल मोड। इतना आने के बाद देखो ये बेस तो वन से ग्रेटर है और एक्स जब माइनस वन से जीरो होगा तो माइनस एक्स जीरो से वन होगा ना, ये जीरो से वन और बेस वन से बड़ा, एक वन से लेस एक वन से ग्रेटर, तो वंस अगेन लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो भार वाला मोड भी आपका माइनस के साथ ओपन होगा। तो क्या गया, माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स। अब करो उसका डिफ्रेंशिएशन, तो वाई डेस इक्वल टू माइनस एज इट इज, लॉग का किया तो माइनस के एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, तो कट पिट के आ गया माइनस के वन बाई एक्स, और एक्स को पुट करना है माइनस के 1/3, तो देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 आ गया ना, स्लोप आ गया, एक्स को माइनस 1/3 रख दो तो आपके पास वाई आ जाएगा, तो वाई क्या होगा, लॉग 2 बेस 1/3, 1/3 को 3 की पावर माइनस 1, आगे मोड है तो वाई आ गया लॉग ऑफ 2 बेस 3 का मोड। लेकिन बेस और नंबर दोनों वन से बड़े हो तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो लॉग सीधा प्लस के साथ ओपन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, एक्स तो है माइनस के 1/3, वाई आपका दिस पार्ट है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है तो करना आप तो सॉल्व करने पे पी और क्यू को जब ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 7/2, फोर्थ ऑप्शन आने वाला। ठीक है, कंपेयर करना बाद में, तो पी और क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पैसेज फर्स्ट। पैसेज फर्स्ट में टू क्वेश्चन है, वन बाई वन देखते हैं। पैसेज क्या है कि लेट जी एक्स एक फंक्शन है, 0 से x एफ टी डी टी, एफ एक्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन आपका एफ एक्स ऑड फंक्शन है, और ये पीरियडिक भी है जिसका पीरियड बोला गया 2। ये सब एफ एक्स की बात है, एफ एक्स इज इंटीजिबल ऑन एवरी रियल नंबर, एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स अगर ऑड है तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स, और ये फंक्शन पीरियडिक है जिसका पीरियड 2 है, तो आप लिख सकते हो वंस अगेन एक्स प्लस 2 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वलेंट होगी। बस ये दो कंडीशन गिवन है, तो जी एक्स 0 से एफ टी डी टी और गिवन है आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जी एक्स इज ऑड एंड पीरियडिक, इवन एंड पीरियडिक, इवन एंड अपीरियडिक, नाइदर ऑड नॉर पीरियडिक। मतलब आपको फंक्शन जी एक्स को इवन ऑड और पीरियडिसिटी को चेक करना है, तो देखो क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसकी इवन ऑड की,
तो इसको इवन आउट चेक करना है, तो क्या करोगे, एक्स की जगह पुट करो माइनस एक्स जी एक्स में, तो इस जी एक्स में एक्स को जब माइनस एक्स लोगे तो देखो क्या गया, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो से माइनस एक्स एफ टी डी टी, लिख सकते हैं इसे, क्या दिक्कत है। ये लिखने के बाद आपको इस राइट साइड को या तो उसको जी एक्स में लेके आओ या माइनस जी एक्स में, अगर जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स आ गया तो इवन फंक्शन, और जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी एक्स तो आंसर ऑड फंक्शन। तो इसके लिए वन संगे लिमिट को सेम लेके आओगे, जब भी तो जी एक्स की बात कर सकते हैं ना, तो उसमें रिप्लेसमेंट लगा दो, पुट माइनस, सॉरी इसमें क्या करो, ये जो टी है इस टी को पुट कर दो माइनस के पी, तो देखो टी को माइनस पी लेने पे क्या होगा, टी को जीरो लेने पे तो पी जीरो आ गया, टी को माइनस एक्स लोगे तो पी आपका एक्स आ गया, और अंदर क्या होगा एफ ऑफ माइनस पी, और डी टी का मतलब माइनस के डी पी, तो माइनस के डी पी आ गया। और देखो पी की जगह जब एक्स मानोगे तो यार इसकी वैल्यू एफ ऑफ पी है ना, अरे एक्स को पी पुट कर दो, तो एफ ऑफ माइनस पी इज माइनस एफ ऑफ पी, तो एफ ऑफ पी क्या आ गया माइनस एफ ऑफ माइनस पी, तो देन वंस अगेन ही बन गया जीरो से एक्स एफ ऑफ पी डी पी। और रिप्लेसमेंट की अगर बात करोगे तो ये फंक्शन पहले की तरह सेम आ गया, तो अगर ये सेम आ गया, एक मिनट रुक गए, तो फंक्शन सेम आ गया ना, मतलब जी एक्स आपका आ गया जी ऑफ माइनस एक्स इज जी एक्स, तो फंक्शन जी एक्स आपका होगा इवन फंक्शन। तो चलो लिख देते हैं जी एक्स इज इवन फंक्शन, तो जी एक्स इज जी ऑफ माइनस एक्स। जी एक्स फंक्शन इवन आने के बाद अब इसकी चेक करनी है पीरियोडिसिटी, तो देखो पीरियोडिसिटी के लिए क्या करोगे, इसको हटा देते, कोई यूज नहीं इसका, तो पीरियोडिसिटी में क्या मेथड है, देखो अभी अपन ने लिखा था जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स एफ टी डी टी, तो एक काम करो आपके एफ एक्स का पीरियड है आपका टू, एफ एक्स का पीरियड कितना है टू, ध्यान रखना इस बात को, इसकी पीरियडिसिटी के लिए काम करो उसको ऐसे लिखो लेट जी एक्स प्लस टू इक्वल टू, या टी की जगह काम करो टी मान लेते हैं कि लेट इसका पीरियड टी है, तो अगर मैंने प्रूव करके दिखा दिया जी ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू जी एक्स, तो फिर तो आंसर मान लोगे ना आप, उससे हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। तो देन आप लिख सकते हो जीरो से टी की जगह ले लो एक्स प्लस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आने के बाद देखो इसको ऐसे लिखना है जी ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू, इसको स्प्लिट करते हैं एक, इसमें लगाओ प्रॉपर्टी थ्री जीरो से एक्स एफ टी डी टी, और एक्स से एक्स प्लस टी तो देखो केयरफुली इसका पीरियड अगर कुछ भी होगा तो अपन इसमें एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, इसका पीरियड कुछ भी लो ना तो ये एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये करना, या फिर एक काम ये कर सकते हो ना आप, टी की जगह टू मान लो क्योंकि एफ एक्स का पीरियड टू है, तो अगर ये पढ़ा होगा आपने ए से ए प्लस एन टी, तो इसको मैं अगर टी को टू लेट करते हो, दो मेथड में दोनों बताऊंगा आपको, अगर टी को टू लोगे आप तो ये भी टू आ गया, तो इधर टू आ गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, तो ये तो आ गया जीरो से टू एफ टी डी टी, तो जीरो से टू में एफ एक्स की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, इसको नेम दे देती सी कि माना लेट ये वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है सी, और जीरो से एक्स एफ टी डी टी का मतलब क्या मान सकते जी एक्स, तो ये रिलेशन आ गया जी एक्स प्लस टू इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। तो अब देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप इसमें एक्स का रिप्लेसमेंट लगा के प्रूव कर सकते हो जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस टू या जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस फोर, तो ये आपका क्या होगा पीरियडिक फंक्शन आने वाला है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, ये जो जी एक्स फंक्शन है इसका क्या कर सकते हो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ गया जी डेस एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई फंक्शन अगर आपका पीरियडिक है
और पीरियडिक फंक्शन का अगर आप क्या करते हो डिफरेंशिएशन, तो वो भी हमेशा कैसा होगा, पीरियडिक होगा। लेकिन जैसे जी डे सेक्स आ गया तो एफ एक्स पीरियडिक है, तो जी डे सेक्स तो पीरियडिक है बट जी एक्स पीरियडिक हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे मेरी बात को। तो जी एक्स अगर फंक्शन पीरियडिक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखें, किसी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है वो आपका पीरियडिक है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो पीरियडिक हो भी सकता है नहीं भी, और बैकट्रैक करोगे तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वेट ऑप्शन फिर यही है कि उसमें एक्स को एक्स प्लस सी या टी, या एक्स को मैंने टू क्यों माना, क्योंकि इसका पीरियड टू है तो उससे जल्दी बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी ये फंक्शन पीरियडिक भी होगा और ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो देन इसके अकॉर्डिंग देख लो सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो जी एक्स इज इवन फंक्शन एंड पीरियडिक, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी फोर एन इज इक्वल टू, आपको जी फोर एन की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करना है, सिंपल है तो क्वेश्चन, सॉरी अपन को जी एक्स गिवन था क्वेश्चन में, जीरो से एक्स एफ टी डी टी, यही था ना। एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है और ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड आपका टू है, ध्यान रखना। जी फोर एन की वैल्यू के लिए काम करो, उसमें एन की जगह ले लो फोर एन, ये लिखने के बाद जीरो से फोर एन एफ ऑफ टी डी टी आ गया। ये आने के बाद सिंपल सी बात यह है, इसमें जो ऑप्शंस हैं, एन आपका इंटीजर बोला गया है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन जीरो और एन, अगर n आपका 0 होगा तो 0 से 0 जी फोर एन की वैल्यू 0 होगी, 0 ओनली फोर एन 0, n 0 पे तो 0 आएगा। क्वेश्चन तो कह रहा है कि n 0 है, ओनली n 0 पे आंसर 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है n की वैल्यू इंटीजर कुछ भी लो, क्या आंसर ऑलवेज 0 होगा क्या, तो इसी पे फोकस करना है। ये हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक करेक्ट है ना, बट ओनली बोला गया तो फिर इसको लेट नहीं करना है। तो अपन क्या करते हैं, n इंटीजर पे चेक करते हैं। तो इसमें क्या करो, देखो इस एफ एक्स का पीरियड अगर 2 है तो 2 के अलावा बाकी पार्ट को कॉमन ले सकते हो, 0 से एन टी में अगर टी उसका पीरियड है तो आप एन को आगे ले सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, आप इसमें 2 एन को आगे ला सकते हो, तो 0 से 2 एफ टी डी टी आ गया, तो 0 से 2 एफ टी डी टी आने के बाद अब आप थोड़ा केयरफुली देखना, एफ एक्स फंक्शन आपका पीरियडिक भी है और उसका पीरियड 2 है, मतलब हर 2 इंटरवल के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी और फंक्शन आपका ऑड भी है, और ऑड फंक्शन का डायग्राम ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन, मतलब फर्स्ट का डायग्राम फोर्थ में बनेगा और फोर्थ का डायग्राम सॉरी फर्स्ट की सिमेट्रिसिटी ओरिजिन के अबाउट थर्ड में होगी और सेकेंड की सिमेट्रिसिटी ओरिजिन के अबाउट फोर्थ में होगी। तो देखो 0 से 2 में एफ टी डी टी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो सीधा आंसर इसका देखो, 0, 1, 2, -1 एंड -2, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं बट ज्योमेट्रिकली जल्दी आंसर है। जैसे लेट 0 से 2 की बात करोगे, 0 से 2 में फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है और पीरियडिक फंक्शन है, मतलब 0 से 2 के बाद वैल्यू को रिपीट करेगा डायग्राम, तो आपको डायग्राम को इस तरीके से लेना है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। तो जैसे लेट आपने -1 से 1 में डायग्राम को ऐसे माना, तो देखो -1 से 1 में इसका पीरियड 2 भी आ गया, तो इसी डायग्राम को आगे शिफ्ट करोगे तो वो डायग्राम कैसे लोगे आप, ऐसे एक सिंपल से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको कि डायग्राम को इस तरीके से लोगे, तो सीधी सीधी बात ही है, 0 से 1 में ये एरिया पॉजिटिव है तो 1 से 2 में ये एरिया नेगेटिव होगा, तो देन 0 से 2 में एफ टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है,
एलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ए वन ए टू अप टू सो ऑन, ये जितने भी एरियाज हैं, एरिया की वैल्यू तो पॉजिटिव मानते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, उसको विद साइन लेना है। तो ये पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव है, डायग्राम सिमेट्रिक है आपका, तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया होगा, तो देन इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी। तो एक तो मेथड ये सबसे सिंपल, और मैथमेटिकली करना तो एक काम करना, इसमें से आप एन को लेना बाहर, तो जीरो से फोर एफ डी टी लिख दिया मैंने। ये करने के बाद इसमें भी ऑप्शन है, आप इसमें टी को रिप्लेस कर दो रे एक्स प्लस वन, टी को जब एक्स प्लस वन मानोगे तो लिमिट आपकी माइनस वन से वन होगी, और फंक्शन ऑड है तो माइनस वन से वन में ऑड फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो होती, तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन की ऑल इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू या जी फॉर एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड पैसेज क्या है, कि लेट एफ एक्स फंक्शन सेटिस्फाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, मतलब एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, और एक प्रॉपर्टी ये कि एफ एक्स दिस पार्ट एक्स बिलोंग्स टू आर और एफ एक्स गिवन है, तो बताओ वन बाई वन टू क्वेश्चन से कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, और अगला क्वेश्चन है जीरो से हंड्रेड में, चलो देख लेते हैं इसको भी एक बार, हाँ जीरो से हंड्रेड में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। चलो तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन है बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है बट समझने वाला पार्ट है, एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का डायग्राम ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, एक तो ध्यान रखना है। इसमें क्या करो, ये जो रिलेशन है इसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि फंक्शन किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसमें एक काम करो, इसमें रिप्लेसमेंट लगा दो, एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स माइनस के थ्री, तो क्या जाएगा एफ ऑफ तो देखो इसको ढंग से, इसमें जब आप एक्स की जगह एक्स प्लस टू लेते हो तो ये क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एफ ऑफ सॉरी एक्स की जगह एक्स प्लस टू लिख दो आ गया ना, इसका मतलब ये फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है। ये सबने पढ़ा होगा शायद कि जैसे लेट कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये लाइन एक्स इक्वल टू ए के अबाउट अगर सिमेट्रिक है यू, तो इसका मीनिंग क्या है, ए से आप एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट मानोगे, दिस इज ए प्लस एक्स और एक्स ये ए है ना आपका, और एक्स डिस्टेंस पे इधर पॉइंट मानोगे तो ए माइनस एक्स, तो देखो दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है ना, इसका मतलब ये डायग्राम आपका x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल टू टू के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, बस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, बस इनको याद रखते हुए अब अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अपन एक काम करते हैं, इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल जीरो से हंड्रेड की बात की गई है, तो देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे। जीरो से टू में डायग्राम गिवन है आपको, तो जीरो से वन में तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लो जीरो से वन में तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है, उसके बाद आगे वन पे वन देगा, ध्यान रखना है। वन से टू में वन लेने पे माइनस वन आ गया, टू लेने पे माइनस थ्री आ गया, ये लो वन लेने पे तो आ गया माइनस के वन और टू लेने पे आ गया माइनस के थ्री, अब थोड़ा केयरफुली देखो, ये डायग्राम एक्स इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब जैसा डायग्राम 0 से 2 में होगा वैसा डायग्राम 2 से 4 के अंदर भी होगा, सॉरी ये डायग्राम आपका इवन फंक्शन भी, इसका भी ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिक भी है और इवन भी है, तो अब आप ये बताओ, सॉरी ये डायग्राम आपका इवन फंक्शन भी है और x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर ये डायग्राम इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये y इक्वल टू x के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, इसका मतलब
ये फंक्शन अगर सम फंक्शन है या इवन फंक्शन है तो बताओ ये वाला पोर्शन इधर बनेगा ना, और माइनस वन, और बेटा माइनस टू से माइनस वन में ये वाला, अरे यार इसकी इमेज ले लो, तो इसकी इमेज एज इट इज आपको दिखेगी इधर, ये लो देखो ना, ये बन गया माइनस टू से टू का डायग्राम। अब ये माइनस टू से टू का डायग्राम है और ये एक्स इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस डायग्राम को अपन आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ना इसकी इमेज ये दिख चुकी है, तो देन जब आप आगे की बात करो तो देखो क्या करना है, लेट ये थ्री है आपका, लेट ये आपका फोर है, तो आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, जैसे लेट इसमें एक्स को जीरो पुट करो आप, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फोर है ना, मतलब एक्स इक्वल टू फोर पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जीरो की इक्वल होगी, और एफ ऑफ जीरो आपका कितना है, एफ ऑफ जीरो आपका फोर है, सॉरी एफ ऑफ जीरो आपका जीरो है, तो एफ ऑफ फोर भी आपका क्या होगा, जीरो होगा ना, मतलब जीरो पे वैल्यू फोर होगी, सॉरी फोर पे वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, मतलब इस पॉइंट से अपन डायग्राम को पास कराएंगे, समझे मेरी बात को। इतना करने के बाद देखो क्या करना है अपन को, अपन डायग्राम को इसकी हेल्प से बनाना ज्यादा बेटर है। थ्री की बात करो, जब एक्स को थ्री लोगे तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू एफ ऑफ वन की इक्विवेलेंट होगी, एफ ऑफ वन आपका कितना है, वन, तो ये जो डायग्राम है आपका ये एक्स इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा डायग्राम इधर होगा, सिंपल सी बात क्या है, जैसा आउटपुट इधर होगा वैसे ही आउटपुट इसकी साइड आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपका। देखो ना वन से टू में जैसा आउटपुट है वैसा आउटपुट इधर होगा, तो इसकी इमेज आपको लेनी है इधर, और आप उससे देखो कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, जैसे अभी मैंने बोला था एक्स को जीरो लोगे तो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ फोर आ गया, तो जीरो पे जो वैल्यू है ना वही फोर पे वैल्यू लो आपने, एक्स को वन लो तो एफ ऑफ वन एफ ऑफ थ्री, तो वन पे वन है आपका तो थ्री पे ही वन होगा, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, मतलब ये वाला पोर्शन इधर चला गया। देखो ना टू से वन डिस्टेंस पे इधर आओगे तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि इधर वैल्यू इंक्रीज करती है तो उधर वैल्यू डिक्रीज करेगी एक्स को बढ़ाने पे, हाँ है ना, तो वैल्यू आपकी सेम होगी हमेशा। अब आते हैं इधर वन से टू में, जैसे वन से टू में बात करो, एक्स को वन लिया मैंने तो एफ ऑफ वन आ गया एफ ऑफ थ्री, मतलब एफ ऑफ थ्री की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ वन के इक्वलेंट होगी, और एफ ऑफ वन माइनस वन है। सिमिलरली एफ ऑफ टू तो एफ ऑफ टू था, तो एफ ऑफ टू पे तो वैल्यू क्या थी, तो ये डायग्राम आपका इधर बन जाएगा, बोलो आया ना, क्योंकि तो जैसा आउटपुट इधर की तरफ, देखो ना टू में कुछ सबट्रैक्ट करोगे टू में कुछ ऐड करोगे, तो जैसा डायग्राम इधर है वैसा डायग्राम उधर होगा, ठीक है, तो इसकी इमेज लेनी है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डायग्राम अगर एक्स इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है तो जैसा आउटपुट जीरो से टू में इधर होगा उसका रिफ्लेक्शन लेना है आपको इधर, तो इसका रिफ्लेक्शन तो ये आ गया और इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा, और उसके बाद सीधी सीधी बात है जीरो से फोर के बाद तो ये डायग्राम आपका वंस अगेन रिपीट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा बोलो, इसका डायग्राम रिपीट होगा। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, जीरो से हंड्रेड में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट, तो देखो ना जीरो से टू में ये वन पे डिसकंटिन्यूस है, टू से फोर में ये थ्री पे डिसकंटिन्यूस, मतलब एक तीन पाँच सात इन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसे समझ सकते हो। जीरो से टू में ये एक बार डिसकंटिन्यूस है, टू से फोर में भी वन टाइम्स है, फोर से सिक्स में वन टाइम्स है, तो देन जीरो से हंड्रेड में टोटली 50 टाइम्स आपका क्या होगा डिसकंटिन्यूस, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। और अगला क्वेश्चन क्या है इसका कि जीरो से हंड्रेड एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना, देखो फोर के बाद तो डायग्राम एज इट इज रिपीट होगा ना, तो एक काम करो 25 तो आगे ले लो उसका, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये फंक्शन आपका पीरियडिक है जिसका पीरियड कितना है फोर है, तो फोर अगर पीरियड है तो इधर चार कर दो इधर 25, तो एक काम करो जीरो से फोर में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, जीरो से वन में तो ये एरिया लेना है, वन से थ्री में आपको दिस एरिया लेना है इस फंक्शन से, और वंस अगेन थ्री से फोर में दिस एरिया, बेस वन हाइट वन तो हाफ और हाफ वन आ गया, तो ये एरिया तो आ गया वन पॉजिटिव होगा, और ये लेना है आपको, तो इसमें काम करना ऐसे ले लेना इसको, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया जिसका एरिया टू है ना, लेंथ टू विड्थ आपकी वन, और वंस अगेन ये टू है ये आपका वन है, तो हाफ बेस इन टू हाइट तो ये वन आ गया, वन और वन सॉरी वन और टू थ्री, तो अपोन का एरिया आपका माइनस के थ्री मानना है क्योंकि एलजेब्रिक सम, तो ये वन आ गया माइनस के थ्री आ गया, ठीक है ना, तो सॉरी ये टू है आपका, दोबारा गलत कर दिया, ये टू ये वन तो टू आ गया ना, और ये एरिया सॉरी वन सेकेंड टू, क्योंकि
ये भी 2 है, इसकी विड्थ भी 2 है और इसकी हाइट भी 2 है, क्योंकि माइनस में और माइनस 3 का डिफरेंस 2 है, तो 2 और 2 आ गया माइनस के 4, तो ये एरिया माइनस 4 है, ये 1 है, तो इसका एलजेब्रिक सम माइनस 3 होगा, और 25 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस के 75। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें डायग्राम को ड्रॉ करना मस्ट है, उसके बाद तो जीडी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या था, माइनस 75, तो 11वीं का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन बी। तो देखो, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट एफ आर टू आर वी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एक्स एक्स माइनस एफ एक्स कम और डी एक्स फोर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज, एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, और वाई इक्वल टू एक्स इज टेंजेंट टू दी एफ एक्स। आपको वन बाई वन ऑल फोर ऑप्शन को चेक करना है। देखो क्या करोगे, ये जो आपको फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, न्यूटन लेवनिज फॉर्मूले की हेल्प से इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन। ये फिक्स है मैक्सिमम क्वेश्चन में, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो तो आप उसको न्यूटन लेवनिज फॉर्मूले से पहले इंटीग्रेशन की लिमिट को रिमूव करो, या इंटीग्रेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो देन आप लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एफ एक्स का मोड, ये आ गया ना, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो इस मोड को ओपन करना है, तो इसमें टू केस अराइज करो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अगर आपका एफ एक्स से ग्रेटर है तो इस केस में मोड आपका प्लस के साथ ओपन, तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू x माइनस एफ एक्स, एफ एक्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करें तो एफ एक्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो क्या गया, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको आपको सॉल्व करना है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी ओ वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो एक ऑप्शन तो क्या है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, और वाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसको सिंपल e की पावर x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो देन राइट साइड इज बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स e की पावर x, ठीक है ना, और देन दोनों सब तरफ जब इंटीग्रेशन करोगे तो अपन इससे एफ एक्स फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर सकते हो, ये e की पावर x से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो जब आप ये सोल्व करोगे ना, और एक काम और करना है, x को जीरो लेने पे इसमें बेटा f ऑफ जीरो की वैल्यू आपकी जीरो है, ठीक है ना। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो उसमें एक कॉन्स्टेंट c होगा ना, और f ऑफ जीरो को जीरो पुट करोगे तो c की वैल्यू आपको हो जाएगी फाइंड आउट। तो फाइनली इसमें होगा क्या, इससे आपका फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आने वाला क्या होगा, x माइनस वन प्लस e की पावर माइनस एक्स। इतना आने के बाद अगली स्टेप क्या है, इसमें देखो ये फंक्शन आ गया आपका, तो देन अब इसके डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, क्या करना है, इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। इसमें शायद ये माइनस था, एक बार करना है, इसको माइनस था, इसमें देखो इसके डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इसका करो एफडेस एक्स, इसका जब आप एफडेस एक्स करोगे तो क्या गया, वन प्लस ही करना है इसको, एक बार देख लेना आप करके जो भी है, तो आ गया वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और एफ डबल डेस आ गया इससे, ये प्लस सही था बेटा, क्या था, एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो उसका एफ डबल डेस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो इसका डायग्राम होगा कॉनकेव अपवर्ड, और थोड़ा केयरफुली देखो, एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे तो ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज वन से लेस होगा, और x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग x जब आपका 1 से ग्रेट 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो ये 1 से लेस है, तो 1 माइनस 1 से लेस f डैश x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x नेगेटिव लोगे तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब करना है क्या, देखो इसके डायग्राम को रफली ड्रॉ करते हैं अपन, ये fx को अगर y लेट करोगे तो y इक्वल टू x की एक लाइन ड्रॉ करो, ये y इक्वल टू एक्स है,
अपन को लेना वाई लेस देन एक्स, क्या एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है, या तो इसका लाइन का अप पोर्शन हो गया डाउन पोर्शन, तो उसको चेक करने का मेथड क्या है, जैसे लेट इधर एक पॉइंट है 1, 0, एक्स को 1 वाई को 0 लेगो, 0 पुट करोगे तो ये इस इनइक्विटी को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो आप बोल सकते हो कि आपको ये इसके लाइन के बिलो रीजन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अपन को लेना क्या है, इस कंडीशन का इस फंक्शन के साथ इंटरसेक्शन। तो देखो इस फंक्शन के डायग्राम की बात करते हैं, एक्स को 0 लेने पे e की पावर 0, 1, 1 से 1 चला गया 0, तो एफ ऑफ 0 आपका 0 आ गया। उसके बाद अपन को पता है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, चलो कोई बात नहीं, फंक्शन इंक्रीजिंग है और डायग्राम क्या कॉनकेव अपवर्ड, इसका मतलब। और एक और बात समझ सकते हो, जैसे लाइट आपने एक्स को 1 लिया, एक्स को 1 लेने पे इसमें तो वाई 1 होगा और इसमें एक्स को 1 लोगे तो ये 1 अपॉन ही आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज एक्स से लेस है। और देखो ना अपन को लेना भी यही है, एक्स लेस देन एफ एक्स। इसका मीनिंग सिंपल सी बात है कि जब आप इस लाइन इस कर्व के डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो इसका डायग्राम ड्रॉ होगा ऐसे ही, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। और एक्स को जब इन्फिटी लोगे तो e की पावर माइनस इन्फिटी 0, तो इन्फिटी माइनस 1 एफ एक्स आपका इन्फिनिट की तरफ टेंड करने वाला है, क्या होगा एफ एक्स आपका इन्फिटी की तरफ टेंड करने होगा। और इधर बात करोगे तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, साथ ही साथ एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव लोगे तो एक्स को माइनस इन्फिटी लोगे तो एक्स को माइनस इन्फिटी लेने पे e की पावर माइनस इन्फिटी तो प्लस इन्फिटी, तो इन्फिटी माइनस इन्फिटी फॉर्म है। तो उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप e की पावर माइनस एक्स का लगाओ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन लगाने के बाद जब दो दो के पेयर लोगे तो पता चल जाएगा कि वंस अगेन इन्फिटी की तरफ टेंड करने वाला है। या फिर एक काम करो ना, ये पता है कि इस x नेगेटिव पे f' x ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है। देखो ना जैसे आप x की वैल्यू लो माइनस 1, x की वैल्यू को माइनस 1 लोगे आप, तो x की वैल्यू को माइनस 1 लेट करते हैं इसमें, तो x की वैल्यू को माइनस 1 पुट करो तो ये तो 1 अपॉन ही आ गया, माइनस 1 माइनस 1 ये आ गया आपका 1 अपॉन ही माइनस की 2। मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, ये जो आपका फंक्शन है ये इस लाइन से ऊपर की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज करेगा नहीं, तो आपको इन दोनों का कॉमन लेना है। तो कॉमन मतलब आप ये वाला फंक्शन लेट करोगे, क्योंकि अपन को एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स में ही फंक्शन लेट करना है, तो एक्स एफ एक्स से ग्रेटर नीचे, तो इस केस में फंक्शन आ गया ये। ऐसे अगला केस आप करोगे जब एक्स आपका एफ एक्स से लेस होगा तो ऊपर वाला रीजन है, और ऊपर वाले रीजन में वंस अगेन जब इसको नेगेटिव के साथ खोलोगे तो इधर माइनस हो जाएगा आपका, और वही सेम ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वंस अगेन जो आपका इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो फंक्शन आने वाला बेटा मैं लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए की पावर माइनस एक, ये फंक्शन होगा। और इसके डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे ना तो डायग्राम इधर तो होगा ऐसे और इधर की तरफ बनेगा नीचे, बट हमको ऊपर वाला पोर्शन लेना है, तो ये इस बार ये डायग्राम कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब फाइनली इस फंक्शन का जो डायग्राम है टोटल वो डायग्राम होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो इन्फिटी पे इन्फिटी जा रहा है, माइनस इन्फिटी पे माइनस इन्फिटी, तो ये फंक्शन ऑन टू आ गया। और देखो इसमें एक्स को माइनस एक्स लोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। और देखो ये डायग्राम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसा डायग्राम इधर है ये उसकी सिमेट्रिसिटी है ओरिजिन के अबाउट, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ऑलवेज वैल्यू क्या करती है इसकी इंक्रीज। और ये तो वैसे ही दिख रहा है आपको, जब आपने इसका एफ डेस एक्स लिखा तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन होगा और एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन में वाई इक्वल टू एक्स इज टेंजेंट टू दी एफ एक्स, ये रॉन्ग आंसर है, ये इसकी टेंजेंट नहीं है, ये इसकी एस एम टोट्स होगी, क्या होगी बोलो एस एम टोट्स। सिंपल सी बात ये कि इन्फिटी पे ये इन्फिटी की तरफ टेंड करने वाला डायग्राम, मतलब ऐसे चलता रहेगा, बट ये इसकी एस एम टूट होगी, क्या होगी बोलो एस एम टूट। जैसे लेट इसको देखो ना, ये इसका एफडेस एक्स किया आपने, ये इसका एफडेस एक्स है, तो इस केस में जब एक्स को इन्फिटी लोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिटी जीरो आ गया, मतलब एफडेस इन्फिटी वन आ गया ना, तो ऐसे नहीं रहा कि एक्स टेंड्स टू इन्फिटी पे इसकी टेंजेंट का स्लोप वन है,
तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि y इक्वल टू एक्स इज टेंजेंट टू दी एफ एक्स, यस इसका डी वाई डी एक्स बना रहा है, तो ये इसकी टेंजेंट नहीं है, ये इसकी एसिम्प्टोट है। क्या बोलो? एसिम्प्टोट। तो टेंजेंट को कभी एसिम्प्टोट बोली, सॉरी एसिम्प्टोट को कभी टेंजेंट बोल ही नहीं सकते अपन। तो देन इसका ओनली 1, 2, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू से एक्स, टी माइनस टू का स्क्वायर, टी प्लस टू, टी माइनस फोर डी टी। तो देन एफ एक्स इंक्रीजिंग इन दिस पार्ट, एफ एक्स डिक्रीजिंग दिस पार्ट, डबल डैश टू जीरो, एफ माइनस टू जीरो। तो चलो देखते हैं। देखो तो सिंपल सी बात ये है कि जब इसमें एक्स को माइनस टू लोगे तो लोअर लिमिट माइनस टू, अपर लिमिट भी माइनस टू, तो एफ ऑफ माइनस टू जीरो आ गया। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन को एफ एक्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो देन आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे। तो एफ डैश एक्स के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन का करना अपन को डिफरेंशिएशन। तो देन वी कैन यूज न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला। तो क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया एफ डैश एक्स, और इसमें क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करो टी की जगह। तो ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का वन आ गया, नो प्रॉब्लम। माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के बाद इसके लिए एफ डैश एक्स की नंबर एंड करो, ये टू पे जीरो होगा, ये फोर पे जीरो है, और ये माइनस टू पे, और सब में एक्स मेरा पॉजिटिव है और आगे भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो सीधा क्या करोगे, प्लस माइनस, देखो टू पे पावर इवन है तो साइन डज नॉट चेंज, और प्लस ये एफ डैश एक्स की नंबर लाइन है। तो आप सबने पढ़ा होगा कि प्लस से माइनस में मूव करते हैं तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस में जाओगे तो लोकल मिनिमा, और माइनस से माइनस में जाते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो सारी चीज सुन लो, माइनस टू पे लोकल मैक्सिमा होगा, फोर पे लोकल मिनिमा है, और टू पे साइन डज नॉट चेंज एफ डैश एक्स का, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसने पूछा गया इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो एफ डैश एक्स जहां पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव का है, माइनस टू से लेस और फोर से ग्रेटर, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और माइनस टू से फोर में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब देखो डबल डैश टू इक्वल टू जीरो, तो थोड़ा केयरफुली देखो, ये जो एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स में एक्स की पावर एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एफ डैश टू आपका जीरो आ गया, और इसमें ये देखो कि जो एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इसका मतलब एफ डैश एक्स का एक्स इक्वल टू टू, इसका रिपीटेड रूट है। क्या बोलो, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, मैं समझाता हूँ आपको, जैसे लेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो देन क्या बोलोगे, अल्फा इसका अगर रिपीटेड रूट है तो देन वंस अगेन इसका एफ ऑफ अल्फा तो जीरो है, एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एफ डैश एक्स है इसमें एक्स इक्वल टू टू इसका रिपीटेड रूट है, तो देन एफ डबल डैश टू भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो देन ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट, फंक्शन क्या है, एक्स इंटीजर है तो कॉस पाई एक्स फंक्शन लेना है, और एक्स नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन ये प्लस में आ गया। तो चेक करना है आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फोर और सम ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज समथिंग, मतलब आपको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट और उनका सम फाइंड आउट करना। तो करते हैं चलो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेटर ऑप्शन क्या है, हेल्प ऑफ दी डायग्राम, इसके डायग्राम को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे करोगे, ये एक सबने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्टेप एक्स प्लस माइनस एक्स का स्टेप ऑलवेज क्या होगा, माइनस वन इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और अपन को नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर पे ही काम करना है क्योंकि एक्स इंटीजर पे तो कॉस पाई एक्स, तो जैसे माइनस टू से टू में इंटीजर कौन कौन से होंगे, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो
जीरो टू और माइनस टू पे तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो वन, कॉस टू पाई, कॉस माइनस टू पाई वन, तो टू जीरो और माइनस टू पे तो कॉस पाई एक्स आपका वन देगा, और माइनस वन और प्लस वन पे कॉस पाई कॉस माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन होगी, ठीक है। तो इन पे तो डायग्राम जीरो और माइनस वन पे होगा। इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक्स अगर आपका नॉन इंटीजर है तो देन स्टेप एक्स प्लस माइनस एक्स का स्टेप ऑलवेज क्या होगा, माइनस वन। तो अपन को फ्रैक्शन पार्ट एक्स माइनस माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू को स्टेप की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेप की फॉर्मेट में लिखने के बाद आप ईच इंटरवेल के अंदर वन से टू, टू से थ्री में ये चेक कर डायरेक्ट बता सकते हो कि स्टेप एक्स की वैल्यू वन होगी या टू होगी अप टू सॉन्ग, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू तो क्या होगी डेसिमल की फॉर्मेट में, तो उसको अपन एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। तो क्या करें, देखो स्टेप एक्स को लिख सकते अपन एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और इसको क्या लिखोगे माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन। अब इतना आने के बाद थोड़ा केयरफुली देखो, ये एक्स से एक्स को कैंसिल आउट हो गया, तो आप लिख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक माइनस इधर है, माइनस से माइनस चला गया, ये लो ये तो सिंपल हो गया। तो अपॉन में तो क्या गया, एक्स अगर नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस माइनस एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्ट मान ले सकते, तो ये तो बना गया, इसको हटा दो सीधा। और न्यूमेरेटर में क्या करो, देखो लिखते हैं इसको वंस अगेन, एफ एक्स इक्वल टू इसी से लिख देते ना, माइनस एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हो आप वन माइनस के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आ गया टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन, और वंस अगेन इसको स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो क्या गया टू एक्स, या टू तो बाहर रखो, एक्स माइनस स्टेप एक्स माइनस वन, ये आ गया एफ एक्स फंक्शन, कब जब एक्स आपका नॉन इंटीजर है। अब अपन एफ एक्स के डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करते तो आंसर आ जाएगा सिंपल। तो देखो माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू, तो टू जीरो और माइनस टू पे तो कॉस पाई एक्स की वैल्यू आपकी वन होगी, तो ये वन पे अपन डार्क बना देते हैं, ठीक है। ये वन की लाइन है जिसपे अपन ने डार्क इन पॉइंटों को लेट करना है। अब इधर देखो, हाँ माइनस वन और वन पे कॉस की वैल्यू क्या देगा, कॉस पाई एक्स आपका माइनस वन, तो चलो इन दो पॉइंटों को लेट कर लेते हैं। After that, देखो आप कैसे करोगे, जब x आपका 0 से 1 है, थोड़ा केयरफुली देखना, x को जब 0 से 1 लोगे तो बेटा स्टेप की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी ना। तो देखो स्टेप अगर ऑलवेज 1 आ गया तो स्टेप x को 1 सॉरी 0 से 1 में स्टेप उसका 0 होगा, तो स्टेप 0 आ गया तो अपना क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू कितना 2x माइनस 1, ठीक है। तो आपको 0 से 1 में y इक्वल टू 2x माइनस 1 की लाइन को ड्रॉ करना है, तो चलो कर देते हैं। इसमें x को 0 लोगे तो माइनस 1 आ गए, और 1 और x को 1 लेने पे 2 आ गया, सॉरी 2 माइनस 1 इज 1, लेकिन इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, और 1 बाई 2 भी 0 आ गया, मतलब ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी जिसमें दिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है और इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। जीरो इसमें भी नहीं लेना अपन को, तो एक काम करो जीरो पे इधर भी अपन ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब ये भी आपका डार्क, ये डार्क पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ये पॉइंट इंक्लूड करना है। सिमिलरली क्या होगा, जब आप एक्स को वन से टू लेते हो, तो चलो एक और देख लो लास्ट, एक्स को वन से टू कंसिडर करोगे तो स्टेप एक्स आपका वन होगा, तो स्टेप एक्स को वन लेने पर क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन, तो दिस इज फाइनली कितना होगा टू एक्स माइनस की थ्री। अब दोबारा डायग्राम ड्रॉ करो, x को 1 पुट करो तो माइनस 1 आ गया, 2 लेने पे 1 आ गया, और 3 बाई 2 पे 0 आ गया, मतलब ये डायग्राम आपका इन पॉइंटों से पास होगा। तो देखो एक तो ब्रेकिंग पॉइंट दिस आ गया ना, एक इधर तो ब्रेकिंग पॉइंट मानना नहीं है मेरे को, क्योंकि 2 पे वैल्यू माइनस सॉरी 2 पे वैल्यू 1 है, और 2 से लेस पे वैल्यू 2 से जस्ट लेस है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। और इधर भी डायग्राम आपका सेम फॉर्मेट से ऐसे बनेगा, बना के देख लेना आप, कि जब x को माइनस वन से जीरो लोगे तो स्टेप x माइनस वन लेना, तो डायग्राम ऐसे होगा, और अगले केस में वंस अगेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। तो अब इसमें देखो क्या होगा, माइनस टू पे तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी वन है, और माइनस टू से जस्ट ग्रेटर लोगे तो वैल्यू माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी होगी, इसका मतलब इस पे जंपिंग पॉइंट इधर आ गया, एक जंपिंग पॉइंट इधर है,
एक जंपिंग पॉइंट आपका इधर है, ठीक है ना। तो टोटल जो जंप्स हैं इसमें सर, थोड़ी कंफ्यूजन कर दी मैंने, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ ठीक है ना, एक जंपिंग पॉइंट दिस होगा, एक दिस होगा, काउंटिंग थ्री फोर, ये नहीं लेना क्योंकि अपन को टू से लेस पे बात नहीं, सॉरी टू से गेट पे तो बात नहीं करोगे, टू से लेस पे टू पे वैल्यू जीरो, सॉरी टू पे वैल्यू वन, और टू से लेस पे डायग्राम ये, तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये आपका माइनस टू माइनस वन जीरो और वन पे डिसकंटिन्यूस है, तो टोटल फोर पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूस है, एंड इनका सम करोगे तो माइनस टू होगा, तो देन इसका वन और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, क्या क्वेश्चन है, अपन को बनोवे में चेक करना, तो देख लेते हैं, ln mod x का होल मोड इक्वल टू sin x का मोड, तो चलो इसको तो ग्राफिकली देख सकते हैं ना आप, ln mod x के मोड के डायग्राम की बात करोगे तो इसका रफली डायग्राम कैसे होता है, u और इधर डायग्राम ऐसे और ऐसे, और इधर माइनस पाई होगा, इधर पाई क्योंकि वन है माइनस वन है, तो साइन मोड एक्स का डायग्राम ऐसे बनाओगे, बाद में तो कैसे बनाओ, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो वन टू थ्री फोर, ये टोटल फोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, फोर सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्या है, एफ एक्स दिस पार्ट जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ जी डबल डैश एफ इज, तो करते हैं चलो, तो क्वेश्चन बोला गया कि जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आ गया एफ इनवर्स एक्स, तो देन इससे आ गया एफ ऑफ, एक रेगुलर क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी एक्स इज, अपन को जी डबल डैश की बात की गई, तो इसका करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, तो इससे क्या आ गया, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आपका बना गया, तो इस एफ डैश जी एक्स को अपन में लेके इसका वंस अगेन कर देना डिफरेंशिएशन, तो जब आप वंस अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा इसका जी डबल डैश एक्स आने वाला है, ये वन अपॉन एफ डैश जी एक्स है, तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के वन अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में, तो ये तो वन अपॉन एक्स का किया है, फिर आप करोगे एक्स का, मतलब एफ डैश जी एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश जी एक्स और बेटा जी एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स की वैल्यू अगेन पुट करोगे वन अपॉन एफ डैश जी एक्स, तो इस पे स्क्वायर था ना, तो अब इस पे क्यूब हो जाएगा, सीधे लिख दिया मैंने इसको, अब आपको जी डबल डैश टू की बात की, इसमें एक्स को टू पुट कर दो रे, तो जी डबल डैश फाइव क्या होगा, माइनस एफ डबल डैश जी फाइव अपॉन एफ डैश जी फाइव का होल स्क्वायर, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, अल्टीमेटली जी ओ फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जी ओ फाइव आ गया तो एफ डबल डैश दिस और एफ डैश दिस की वैल्यू को इजीली कर सकते हैं ना एफ एक्स के डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो देखो जी ओ फाइव की वैल्यू कैसे करोगे, इसमें एक्स को पुट करो फाइव, तो बताओ इसमें जी ओ फाइव कितना आ गया, जी ओ फाइव का मतलब होगा एफ इनवर्स फाइव, तो देखो बच्चों एफ इनवर्स फाइव की वैल्यू के लिए क्या करें, ये अपना एफ एक्स है, अपन को एफ इनवर्स फाइव लाना है, तो राइट साइड में फाइव लाने के लिए काम करो, उसमें पुट करो एक्स को वन, तो एक्स को वन लेने पे एफ ऑफ वन आपका फाइव आ गया, तो इस एफ को लेके जाओगे तो वन इक्वल टू क्या गया एफ इनवर्स फाइव, मतलब एफ इनवर्स फाइव की वैल्यू वन होगी, तो जी ओ फाइव आपका, जी ओ फाइव आपका वन आ गया, तो जी ओ फाइव को वन लोगे तो देन आपका क्वेश्चन आ गया इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश वन अपॉन एफ डैश वन का क्यूब, एफ एक्स आपको पता है उसका डबल डैश कर सकते हैं, एफ डैश कर सकते हैं, वैल्यू पुट करना, तो देन वी विल गेट ऑप्शन, ठीक है, तो इस ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इसका, हाँ उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया आपसे फॉर दी कर्व रिप्रेजेंटली इम्प्लीसिटली एज पाई की पावर एक्स माइनस ई की पावर
वाई इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इज, मतलब आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब एक्स मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो एक काम करो ना, इसका क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसके डिफरेंशिएशन को देखो, ये तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स लॉग पाई, क्योंकि लॉग ए, माइनस ए की पावर वाई का ए की पावर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो देन इससे डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन ई की पावर वाई, मतलब लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पाई की पावर एक्स अपॉन वाई ई की पावर वाई, और ई की पावर वाई की वैल्यू से पुट करोगे पाई की पावर एक्स माइनस पाई। तो देखो एक्स को इन्फिनिटी लोगे तो पाई की पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म किसकी वजह से, पाई की पावर एक्स की वजह से। तो आप एन अपॉन डी में पाई की पावर एक्स लो कॉमन, तो देन दिस इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एल एन पाई अपॉन वन माइनस पाई अपॉन पाई की पावर एक्स। तो पाई अपॉन पाई की पावर एक्स हो सकते ना, पाई की पावर वन माइनस एक्स, और अब देखो एक्स को इन्फिनिटी लोगे तो पाई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वन से ग्रेटर की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो देन एल एन पाई अपॉन वन इज एल एन पाई, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी शायद करेक्ट है, करके देखना। और लास्ट पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू दी कर्व दिस पार्ट इज 5/2 देन मोड ए। आपको क्या बोला गया है, सब नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वाई वन डी ओ वाई डी एक्स एट पॉइंट पी। तो देखो इसका डी ओ वाई डी एक्स कितना होगा, लिखो वाई वन, इसका डी वाई डी एक्स आ गया एक्स का वन, तो ए अपॉन टू वाई वन ये लो, तो देन वाई वन डी वाई डी एक्स आ गया ए वाई टू, ये आपको गिवन है 5/2, टू से टू कैंसिल, तो देन मोड ए इज 5, तो इसमें मोड ए की वैल्यू क्या होगी बोलो 5 होगी। तो इस तरीके से करना है इसको, तो फोर्थ ऑप्शन तो इसका रॉन्ग होगा। तो अभी इसका 1, 2, 3 ऑप्शन क्या होंगे बेटा, करेक्ट होंगे। चलो उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट कैपिटल टी बी दी ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए 0, 0, 0 सी स्क्वायर सी कॉमा सी स्क्वायर एंड लेट कैपिटल आर बी दी रीजन बिटवीन दी वाई इक्वल टू सी एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर सी पॉजिटिव है। तो आपको रीजन आर की वैल्यू चेक करनी है, और ट्राइंगल का एरिया और रीजन आर का एरिया है उसकी लिमिट सी टेंस टू जीरो पे वैल्यू बतानी कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले इसकी बात करोगे आप, तो ये तो सिंपल पार्ट है आपका, कैसे ये 0, 0 आ गया, ये 0, c² और ये c, c², ये तो आ गया c, c², सॉरी 0, c² आपको ऊपर लेना है, एक मिनट को। देखो 0, 0, 0, c² और c, c², तो ये बन गया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, डेल्टा हाफ बेस इसका c², ये लेंथ कितनी है c² और इसकी हाइट कितनी है c, तो ये आ गया c³। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया तो आ गया c³/2। ट्राइंगल का एरिया आने के बाद अपन को इन दोनों कर्वों से बाउंडेड बाय एरिया फाइंड आउट करना। तो देखो इन दोनों से जो बाउंडेड बाय एरिया वो कैसे फाइंड करोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लाइन तो आपकी होगी ऐसे, और y इक्वल टू सी एक्स का मतलब लाइन ऐसे होगी, तो देन दोनों से बाउंड बाय एरिया दिशा गया। तो आपको लिखना है लेट ये इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा, तो देन रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से अल्फा अपर कर्व माइनस की लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन है एक्स माइनस लोअर कर्व सॉरी सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एरिया। ये आने के बाद आप इन दोनों कर्व का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट।
कुछ नहीं करना इसमें, आप वाई को पुट कर दो सी एक्स, तो सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो जीरो आ गया और दूसरा एक्स आ गया सी, तो ये पॉइंट आ जाएगा सी कॉमा सी, ये लो, तो लिमिट लगा देना जीरो से सी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एरिया आने वाला है इससे सी क्यू बाय सिक्स। तो एक तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और बाद में जब ट्राइंगल के एरिया को एरिया ऑफ रीजन से डिवाइड करोगे तो वन बाई टू सी क्यू अपॉन सी क्यू बाय सिक्स, तो देन सोल्व करने पे कितना जाएगा थ्री, लिमिट सी टेंस टू जीरो पे। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन सिक्स में क्या बोला गया, रीड करें सभी। लेट एफ जीरो टू इन्फिनिटी टू आर, मतलब इनपुट तो जीरो से इन्फिनिटी है और इसका कोडोमेन आपको गिवन है आर, वी कॉन्टिन्यूस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये जीरो से इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी है। चलो देखते हैं, सच दैट एफ क्यूब एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स टी एफ स्क्वायर टी डी टी फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन क्या क्या बोले गए, एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू, एफ एक्स एक सब्जेक्टिव फंक्शन, जीरो से वन में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू और नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिक्स। तो ऑप्शन तो सारे सिंपल है बट आपको एफ एक्स को फाइंड आउट करना, देखो इसके लिए क्या करोगे आप। तो एफ एक्स के लिए अपन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन। तो जब भी इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको यूज करना है न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला। तो देखो कैसे करोगे, एफ क्यूब एक्स का तो क्या होगा थ्री एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डेस एक्स, और इसमें अपर लिमिट पुट की तो एक्स आ गया और एफ स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक तो क्या होगा, एफ स्क्वायर एक्स को जब कॉमन लोगे ना तो ये जीरो आ गया ना, इससे एक तो आ गया एफ स्क्वायर एक्स जीरो, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट थिंग इज थ्री एफ डेस एक्स इज एक्स, थ्री एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, तो देन एफ डेस एक्स इज एक्स बाई थ्री। एफ डेस एक्स को जब एक्स बाई थ्री लोगे, इसका कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन तो आ गया एफ एक्स, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई सिक्स प्लस सी। और बेटा ये जो गिवन है आपको, इसमें एक्स को जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो जीरो से जीरो जीरो, तो एफ ऑफ जीरो को जीरो लेने पे सी आपका जीरो आ गया टाउ। तो ये लो सिंपल फंक्शन आ गया, और फंक्शन आने के बाद एफ एक्स को सिक्स लोगे तो एक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, तो एक्स आ गया प्लस माइनस सिक्स, इसका मतलब इसके टू सोल्यूशन होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जीरो से वन में एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे होगा एक्स क्यू बाई एटीन, तो सही है, जीरो से वन में इसकी वैल्यू एटीन होगी, ये भी ऑप्शन करेक्ट आ गया। उसके बाद एफ एक्स इज सब्जेक्टिव फंक्शन, हाँ इसमें देखो इसकी जब डायग्राम की बात करोगे तो इसका डायग्राम क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे होगा ना, और इधर लेना नहीं है क्योंकि एक्स ओनली पॉजिटिव है आपका, ये इसका डायग्राम है, तो इसका आउटपुट जीरो से इन्फिनिटी है, इसका आउटपुट जीरो से इन्फिनिटी है, बट को डोमेन आपको आर गिवन है, तो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू तो सिक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। मेनली पार्ट ये था कि आपको फंक्शन को क्या करना है, फाइंड आउट, ठीक है। चले तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक क्वेश्चन है, एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है आपको, जीरो से वन में डेफिनेशन आपको एक्स प्लस वन, और वन से टू में डेफिनेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, और जी टी फंक्शन है आपका टी माइनस वन से टी एफ एक्स, और टी को लेना वन से टू। तो देन क्या करना अपन को, देखो विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन जीरो से टू, मतलब एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल चेक करना। तो चलो पहले एफ एक्स की बात करते हैं, देखो ये फंक्शन लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो पॉलीनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन। तो ये अब फर्स्ट तो जीरो से वन में आपका एक लाइन है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगी डिफरेंशियबल, वन से टू में ये भी कंटिन्यूस होगा डिफरेंशियबल, लेकिन वन पे इन दोनों इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो वन पे अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी तो वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस या नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है मे बी, तो आपको उसको जीरो वन पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो देखो जब इसमें एक्स को वन पुट करोगे तो वन एंड वन टू आ गया, इसमें एक्स को वन पुट करोगे छः दो आठ माइनस छः दो, मतलब
एफ ओ वन माइनस मतलब एक्स इक्वल टू वन पे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन तीनों की वैल्यू सेम है तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस है, और अगर ये वन पे कंटिन्यूस है तो आप इसका क्या कर सकते हो डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया वन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फोर एक्स माइनस के सिक्स। तो अब एक्स को वन लोगे तो ये तो वन देगा और ये आपका माइनस टू। इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू वन पे एल एच डी और आर एच डी दोनों अनइक्वल है, तो देन ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। और क्वेश्चन ने बोला गया कि जीरो से टू में कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल है, तो ये तो होगा इसका रॉन्ग ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। तो देखो इन तीनों ऑप्शन को चेक करने का बेटर ऑप्शन क्या है, क्या बोला गया जी डैश टी इज व्हेन एक्स इज फॉर टी इक्वल टू थ्री बाई टू एन टू, मतलब आपको इसका जी डैश एक्स फाइंड आउट करके जी टी फंक्शन के बिना इसका जी डैश टी फाइंड आउट करके उसको जीरो करना है और देखना है कि फंक्शन कब जी डैश टी की वैल्यू जीरो कब कब हो सकती है। अगले दो क्वेश्चन क्या है GT और GT, GT इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू थ्री बाई टू और GT इज मिनिमम एट t इक्वल टू वन, मतलब आपको GT फंक्शन को t की किस वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा आपको ये t की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करें, सबसे सिंपल ऑप्शन ये है आप GT फंक्शन करो फाइंड आउट। तो इसमें थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, t को जब इसमें वन से टू के बिटवीन लोगे तो वन से टू के बिटवीन लोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, जैसे t को आपने 1 लिया तो इसकी लिमिट बनेगी भाई 0 से 1, और t को 1 से 2 के बिटवीन आपने जैसे लेट 3 बाई 2 लेट किया तो 3 बाई 2 लेट करने पे क्या आएगा 1 बाई 2 से 3 बाई 2 आ गया ना। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप t की वैल्यू को 1 से 2 के बिटवीन पुट करोगे तो 100% ये जो t है ना ये आपका 1 से ग्रेटर होगा और ये 1 से लेस होगा। देन इस एफ एक्स की वैल्यू को आपको पुट करना है, तो जब एक्स की लिमिट वन से लेस होगी तो फंक्शन आपको एक्स प्लस वन लेना है, और एक्स की लिमिट वन से ग्रेटर होगी तो फंक्शन आपको नीचे वाला लेना है। इसका मतलब आपको इसको वन पे क्या करना पड़ेगा, इस पे सिंपल सी बात ये है टी की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, आप टी की वैल्यू आपने वन से ग्रेटर कुछ ही पुट की तो ये तो वन से ग्रेटर होगा और ये वन से लेस होगा, इसका मतलब ये वन से लेस ये वन से ग्रेटर, तो आपको इसको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से वन पे क्या करना पड़ेगा बोलो स्प्लिट। तो देखो इसको स्प्लिट करते हैं, तो आप इसको लिखोगे जी टी इक्वल टू ये वेट ऑप्शन इसका टी माइनस वन से वन एफ एक्स डी एक्स प्लस वन से टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये लिखने के बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखो ना टी को वन से टू कुछ भी लो ये वैल्यू वन से लेस है ये वन है, इसका मतलब ये लोअर और अपर लिमिट दोनों वन से लेस हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना इसमें एक्स प्लस वन और आराम से इसको कर देना इंटीग्रेट, लोअर और अपर लिमिट पुट कर देना, ठीक है। और टी को वन से ग्रेटर लोगे तो बोथ लिमिट्स आर ग्रेटर देन वन, तो देन फंक्शन को वी कैन यूज दिस पार्ट ये पुट करना, वंस अगेन इंटीग्रेशन करोगे लोअर अपर लिमिट पुट करोगे तो देन आप इजीली क्या कर सकते हो जी ऑफ टी फंक्शन को फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ टी। जी टी आने के बाद क्वेश्चन ने पूछा गया है जी डैश टी को जीरो चेक करना है और जी एक्स को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, तो क्या करोगे जी डैश टी को जीरो भी करना है और जी एक्स का लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, तो देन आपको जी डैश टी को करना फाइंड आउट। तो क्या करना है इसका कर देना डिफरेंशिएशन बाद में, तो आपका जी डैश टी आ जाएगा एक बार, तो जी डैश टी को जीरो कर देना तो आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट होगी और इसमें टी की वैल्यू यही आने वाली, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और जी डैश टी आने के बाद उसके फैक्टर करोगे और नंबर लाइन जब बनाओगे तो जब प्लस माइनस लगाओगे तो दिख जाएगा कि t इक्वल टू थ्री बाई टू पे तो मैक्सिमम आने वाला है और t इक्वल टू वन पे मिनिमम आने वाला है, तो देन इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप करोगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी देखते हैं। हाँ तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें सभी, ठीक क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स बी इनवर्टिबल फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस वन से एफ एक्स एफ इनवर्स टी डी टी फोर ऑल एक्स एफ ऑफ जीरो वन गिवन है और जी एक्स इक्वल टू गिवन है एफ ऑफ मोड एक्स, देन फाइंड जी डेस जीरो माइनस। आपको जीरो माइनस पे जी डेस मतलब आपको जी डे से एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स नेगेटिव मतलब आपको जीरो पे एल एच डी को चेक करना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफ एक्स फंक्शन को फाइंड करना है, तो वही सेम प्रोसीजर, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो तो देन वी कैन यूज न्यूटन्स लेविनिट फॉर्मूला और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो आ गया एफ डैश एक्स, इसमें पहले एक्स का किया तो एफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू वन का जीरो हटाओ, अपर लिमिट पुट करो टी की जगह, जब एफ एक्स लोगे तो एफ से एफ इनवर्स कैंसिल होके ओनली एक्स आ गया इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, बाकी सब कुछ हट जाएगा। ये आने के बाद देखो ये वाला पार्ट तो उससे हो गया कैंसिल आउट, सही किया शायद मैंने, हाँ ठीक है। तो देन आप लिख सकते हो ना एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स, जैसे ही आप एफ एक्स को डिवाइड में लेके इसका इंटीग्रेशन करोगे, चलो लिख देते हैं एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू माइनस वन, दोनों तरफ कर तो इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स को टी मानने पे एफ डैश एक्स डी टी में चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया वन बाई टी, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स और माइनस वन का माइनस एक्स प्लस सी, और देखो रे एफ ऑफ जीरो वन एक्स को जीरो पे जीरो, एफ ऑफ जीरो वन लॉग वन जीरो, तो सी आपका जीरो आ गया, सी जीरो आ गया डालो और एल एन को भेजोगे तो आपका एफ एक्स आ गया ई की पावर माइनस एक्स। एफ एक्स आने के बाद जी एक्स क्या होगा एफ ऑफ मोड एक्स, तो एक्स की जगह जब मोड एक्स लोगे तो जी एक्स इज ई की पावर माइनस मोड एक्स, आपको जीरो माइनस पे जी डेस एक्स की वैल्यू चाहिए, काम करो ना जब एक्स आपका जीरो से लेस होगा तो माइनस मोड एक्स आपका माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स इज माइनस प्लस एक्स आ गया, तो जी एक्स आ गया ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वंस अगेन इसका जी डेस क्या होगा ई की पावर एक्स और जीरो पुट करने पे ई की पावर जीरो वन, तो देन इसकी जो एल एच डी है वो क्या होगी वन होगी। बाई चांस अगर इसमें आर एच डी की बात करता है जी डेस जीरो प्लस पे, तो जी डेस जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू आती माइनस के वन, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना। तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है नॉन डिफरेंशियबल है जी एक्स फंक्शन, ठीक है। चलो तो अभी तो इसका आंसर आपको वन फिल करना है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड क्या बोला गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती कर देते कभी कभार। देखो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दिस अपॉन दिस इज एल अपॉन एम पाई देन वैल्यू ऑफ एल प्लस एम इज, मतलब इस लिमिट को सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, इसमें एक्स की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स अगर नेगेटिव है तो मोड एक्स को अपन लिखते हैं माइनस एक्स, तो सबसे पहले इस मोड एक्स को हटाओ आप, तो ये आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर फाइव टेन वन अपॉन पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन माइनस के एक्स क्यूब माइनस के सेवन एक्स प्लस एट। अब x को इन्फिनिटी लेने पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो देखो उसको कैसे सोल्व करना है, एक सबने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है, यस सर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होगी, कब जब x को जीरो पुट करने पे टेन एक्स भी जीरो की तरफ टेंड करेगा और अपॉन में x भी आपका जीरो की तरफ क्या करता है टेंड करता है, तो इसमें देखो जब x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ गया ना, मतलब टेन आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो क्या करो इसको वन अपॉन पाई एक्स स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस के इन्फिनिटी एक्स की पावर फाइव टेन ऑफ वन अपॉन पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या करना वन अपॉन पाई एक्स स्क्वायर से करो डिवाइड, तो देन आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दिस इज प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन ये क्या होगा माइनस के एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स प्लस एट। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक्स को जब माइनस इन्फिनिटी लोगे तो टेन वन अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो की तरफ टेंड करेगा और ये भी आपका जीरो की तरफ टेंड, तो देन दिस पार्ट की जो वैल्यू है ये तो आपकी वैल्यू क्या होगी वन, ये तो क्या आ गया वन, और उसके बाद देखें ये एक्स की पावर फाइव है ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पर कैंसिल होके क्या देगा है? ये आ गया ओनली एक्स क्यू, ये आपका 1 है ये x क्यूब है, तो न्यूमेटर डिनोमेटर में आप इजीली x क्यूब के ले सकते हो कॉमन, क्योंकि जब न्यूमेटर डिनोमेटर दोनों में डिग्री सेम हो तो
तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लोगे तो आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो बेटा जैसे ही आप एक्स को माइनस इन्फिनिटी कॉमन लोगे तो इधर तो एक्स की पावर इन्फिनिटी कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो इधर से तो रिमूव हो गए, इधर अपॉन में एक्स होगा तो थ्री अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सेवन अपॉन एक्स क्यूब वंस अगेन जीरो, तो ये दोनों जीरो में चले जाएंगे आपके। अपॉन में जब एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो ये तो आ गया माइनस वन, सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी भी जीरो, एट अपॉन एक्स स्क्वायर वंस अगेन जीरो, तो क्या आ गया इधर, तो क्या बचा वन इंटू वन अपॉन पाई, ये तो आ गया न्यूमेटर में तो आ गया वन अपॉन पाई, ये दोनों जीरो होंगे और अपॉन में आ गया माइनस के वन, तो देन इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी माइनस के वन अपॉन पाई। तो इसमें एल वन है और एम आपका माइनस वन है, किसी को भी कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको वन को एल एड करें और माइनस वन को एम लेट कर सकते हैं, तो इसमें एल प्लस एम की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी जीरो, किसी को भी कुछ भी लेट करो प्लस माइनस वन तो एल प्लस एम का सम ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। चलो हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये ठीक क्वेश्चन है वैसे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज डिस्पार्ट इज नॉट डिफरेंशियबल, मतलब आपको ये फंक्शन कितने पॉइंटों पे नॉन डिफरेंशियबल है चेक करना है, और ध्यान के रखना है जब x माइनस इन्फिनिटी से बने तो मोड x और x स्क्वायर का मिनिमम लेना है, अदरवाइज का मतलब 1 और 1 से ग्रेटर पे आपको फंक्शन दिस और दिस का मिनिमम लेना है। तो चलो ड्रॉ करते दोनों के डायग्राम, तो देखो y इक्वल टू अपन को केवल 1 से माइनस इन्फिनिटी में देखना है एक बार, तो y इक्वल टू x का डायग्राम तो ऐसे होगा ना, 1 पे आपका ये 1 देगा, वन पे वैल्यू क्या देगा वन, ये लो भाई, और y इक्वल टू मोड एक्स का डायग्राम वंस अगेन ऐसे, इसमें वन को इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना कोई बात, फिर क्या करना है इसमें मिनिमम का मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो इन दोनों का नीचे वाला पोर्शन ये डायग्राम होगा, ये लो आप इसको लिख सकते हो चाहो तो, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है माइनस वन, इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा बोल देता हूं मैं आपको, देखो एक तो माइनस इन पे आ गया शार्प कॉर्नर, उसके बाद इधर कोई शार्प कॉर्नर होगा नहीं ना क्योंकि नीचे वाला फंक्शन है आपका मिनिमम, तो ये आपका डिफरेंशियबल होगा, इस पे वन पे देखना है तो वन के लिए अपन को अगले फंक्शन को देखना पड़ेगा क्योंकि वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी, इसमें तो ये लिख सकते देखो एक तो आंसर आ गया माइनस वन, अब उसके बाद अगर एक्स आपका वन से लेस है तो देन आपका फंक्शन मिनिमम दिस होगा ना, तो ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स करते, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, अब आते हैं नीचे वाले पार्ट, अदरवाइज का मतलब वन और वन से ग्रेटर, तो आप इन दोनों के डायग्राम बनाओ, तो y इक्वल टू एक्स का डायग्राम तो अगेन यही होगा, उसके बाद ये एक लाइन है y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें x को वन लोगे तो वन आ गया, और सिंपल सी बात है इसका तो स्लोप वन है, इसका स्लोप है आपका टू, तो ये ऐसे बनेगा रफली डायग्राम। अब आपको करना क्या है, हाँ और ये दोनों डायग्राम बाद में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना केवल ये वन पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये लिखने के बाद क्या करना है, देखो अपन को लेना वंस अगेन मिनिमम, तो इसका मिनिमम होगा नीचे वाला पोर्शन, तो थोड़ा केयरफुली देखना, वन से लेस पे तो कर्व है आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वन से ग्रेटर पे लाइन है आपकी y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सर ये कर्वे ये लाइन है तो 100% शार्प कॉर्नर, और फटाफट इसको भी क्या लेट करते हैं वो शार्प कॉर्नर, तो उसका टू आंसर फिल कर देंगे वो, बट थोड़ा केयरफुली देखो x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो देन आपका फंक्शन था y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, तो बेटा जब आप देखो 1 पे ये कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें 1 पुट करो उसमें 1 पुट करो, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशियल तो आ गया 2x और इसका आ गया 2, तो x को 1 लेने पे ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, इसका मतलब 1 पे शार्प कॉर्नर नहीं होगा एंड ये x इक्वल टू 1 पे क्या होगा डिफरेंशियबल, तो इसका ओनली आपको 1 आंसर क्या करना है फिल करना है कि ओनली ये x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या नॉन डिफरेंशियबल, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट इज 1, तो 1 आंसर फिल करो, ठीक है। चलो तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो आपको बता दिए कि इस जगह स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते, ठीक है। चलो आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये भी ठीक क्वेश्चन है, करते हैं स्पष्ट, आपको एक लिमिट की वैल्यू को करना है कैलकुलेट, देखो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो एन को इन्फिनिटी पुट करोगे
तो इन्फिनिटी पे साइन स्क्वायर इन्फिनिटी तो क्या होगा, माइनस वन टू वन एनी नंबर। फर्दर क्या करना है देखो, इसको लिखते हैं एक बार, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो आ गया माइनस वन टू वन एनी नंबर, बट ये आने के बाद ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है एक इंटरमीडिएट स्टेट पे, तो एन को इन्फिनिटी लेने पे ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो इसमें से आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या करते हैं, अपॉन में मैक्सिमम आप एन कॉमन ले सकते हो, तो अपॉन में जब एन कॉमन लोगे तो न्यूमेटर में आ गया एन की पावर अल्फा माइनस वन साइन स्क्वायर फैक्टोरियल एन अपॉन वन प्लस वन बाई एन। इतना आने के बाद अब इन्फिनिटी पुट करो रे, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हटाओ, साइन इन्फिनिटी माइनस वन टू वन एनी रियल नंबर इनटू, इधर देखो इन्फिनिटी की पावर अल्फा माइनस वन, तो देखो अल्फा जीरो से वन है तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव होगा, इसको वन अपॉन लिख सकते हैं इन्फिनिटी, नियासन में इन्फिनिटी की पावर अल्फा माइनस वन, अल्फा वन से जीरो से वन है तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव, तो अपॉन में लाओगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी, तो एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, किसी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो देन इसका जीरो आंसर आपको फिल करना, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से, क्वेश्चन फिफ्थ में बोला गया आपसे कि फाइंड दी नंबर ऑफ पेयर्स एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू वन। इन बोथ इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई को आपको करना फाइंड आउट, तो चलो कर दे। तो एक तो ये इक्वेशन गिवन है आपको, तो देखो इसको केयरफुली, ये क्या है, जब एक्स वाई दोनों को पॉजिटिव लोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन की लाइन होगी ऐसे, और सिंपल सी बात है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू वन है, x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई पुट करने से दिस इक्वेशन डज नॉट चेंज, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल फोर क्वाड्रेंट, ये चारों के चारों क्वाड्रेंट में क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा ऐसे, और दिस इज ए स्क्वायर, ये पॉइंट 1 कॉमा 0 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 कॉमा, ठीक है बेटा 0 कॉमा माइनस, ये तो आ गया। इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो इसमें सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2 साइन c प्लस डी वाई टू कोस ऑफ c माइनस डी वाई टू इक्वल टू, देखो आप साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा वाई टू कोस थीटा वाई टू, देन दिस इज 2 साइन x प्लस वाई अपॉन टू इन टू कोस ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन वाला पार्ट कॉमन लोगे क्योंकि वेरिएबल पार्ट को कभी कैंसिल नहीं करते लेफ्ट राइट में, उसको कॉमन लेके जीरो करो, तो एक कॉमन लेके जीरो करने पे आ गया साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो, तो साइन की वैल्यू जीरो कब होगी, एन पाई पे, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू एन पाई, तो दिस इज 2 एन पाई, तो एक तो सोल्यूशन दिस हो सकता है, तो दिस पार्ट को दिस पार्ट के साथ सोल्व करना है, तो उससे नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे एक्स और वाई के पेयर, तो क्या करें, दोनों के डायग्राम बना के देख लेंगे भी थोड़ी देर बाद। अगला केस, एक आ गया दिस इक्वल टू दिस, तो कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी कॉस ऑफ, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो देन दिस इज एक्स प्लस, किसी को भी थीटा अल्फा मान लो नो प्रॉब्लम, टू एन पाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, तो देखो कैसे करना है, एक बार तो इस सेकेंड इक्वेशन को, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, तो देखो इसमें क्या करोगे, इसमें अगर आप सेकेंड इक्वेशन में एन को जीरो लोगे तो ये आ गया एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई की लाइन ऐसे होगी ना, तो इसको दो पॉइंट पे कट करेगी, दो सोल्यूशन तो ये आ चुके हैं, वन बाई टू कोमा माइनस वन बाई टू, लिख के देख लेना आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और इफ अगर आपने एन को वन लिया तो इससे आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू पाई, तो एक्स प्लस वाई टू पाई, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, एन को माइनस वन लोगे तो इधर बनेगी, तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो फर्स्ट और सेकंड के टोटल मिले टू सॉल्यूशन इस पार्ट, तो एक तो ये लिख देते हैं, उसके बाद क्या करना देखो, अब लेते हैं इस इक्वेशन को, इसमें एक काम करो अगेन एन को पुट करो जीरो,
अब आपको फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करना है, तो जब एन को जीरो पुट करोगे तो क्या आ गया, ये जीरो हो गया, डर हो रहे। इसमें दो ऑप्शन लोगे आप, एक बार टेकिंग प्लस, तो टेकिंग प्लस पे एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कैंसिल, तो वाई बाई टू इक्वल टू माइनस वाई बाई टू, तो वाई आ गया जीरो। मतलब टेकिंग प्लस पे तो वाई आ गया जीरो, वाई को जीरो पुट करोगे तो मोड एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स आ गया प्लस माइनस वन। दो आंसर इससे आ चुके, ठीक है ना। चलो अगला, जब टेकिंग माइनस लोगे तो टेकिंग माइनस पे इस बार प्लस के वाई बाई टू कैंसिल, तो वन सगेन एक्स जीरो, तो एक्स को जीरो पुट करने पे आपका वाई आ जाएगा प्लस माइनस वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दिस आने के बाद, जब आप एन को वन लोगे या माइनस वन, और जब टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस पे बात करोगे, तो अगेन क्या होगा, ये लाइन मतलब ये जो डाइक्स स्क्वायर है और इससे जो एक्स और वाई में रिलेशन है, वो हमेशा वन सगेन इसके आउटर पार्ट में ही डायग्राम को फॉलो करेंगे। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो देन इसके ओनली सिक्स सोल्यूशन है, टू और टू फोर, और टू सोल्यूशन आपको मिले थे एन इक्वल टू जीरो को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से। तो इसके टोटल क्या होंगे, सिक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक इंटीग्रेशन है जो इक्वल गिवन है जी एक्स अपॉन साइन की पावर सेवन एक्स प्लस सी, तो बताओ जी डैश जीरो और जी डबल डैश फाइव बाई फोर की वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखते हैं इसको, तो देखो इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, यही मेन पार्ट है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस सेवन कोस स्क्वायर अपॉन दिस पार्ट है ना, तो इसमें क्या करना है, वन को कर दो इससे सेपरेट डिवाइड और सेवन कोस कर दो सेपरेट डिवाइड, तो वन से सेपरेट डिवाइड करने पे क्या आ गया, वन अपॉन साइन की पावर सेवन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो एक काम करो उसको ऐसे लिखो, साइन की पावर माइनस सेवन एक्स और कोस स्क्वायर ऊपर जाके बन गया सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, और माइनस ये इंटीग्रेशन कर दो सेपरेट, तो दिस इज सेवन अपॉन साइन स्क्वायर डीएक्स। तो देखो केयरफुली, जब आप फर्स्ट इंटीग्रेशन में यूज करोगे आई लेट, तो देखो सेकंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होने वाली, प्रैक्टिस है थोड़ी। सेक स्क्वायर का अपन इंटीग्रेशन कर सकते थे इसको, तो मानो सेकंड फंक्शन, इसको लेट करो फर्स्ट फंक्शन, तो देन वी कैन यूज आई लेट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन की पावर माइनस सेवन एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन की पावर माइनस सेवन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का किया तो माइनस सेवन आगे आ गया, साइन एन माइनस वन तो साइन की पावर माइनस एट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था टेन एक्स डीएक्स, और लास्ट में माइनस वाला पार्ट। अब थोड़ा केयरफुली देखना, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, टेन एक्स को लिखोगे साइन अपॉन कोस, क्या लिखोगे साइन अपॉन कोस, हाँ एक कम और करो, पहले पावर का किया तो माइनस सेवन आगे, एक कम और साइन का डिफरेंशिएशन इनटू में कोस लिखना, सॉरी इनटू में क्या लिखोगे कोस, ये लिखने के बाद देखें आप, ये साइन अपॉन कोस से कोस चला गया, और एक साइन प्लस का ये माइनस का आठ है, तो माइनस का सेवन, तो अपॉन में लाओगे तो साइन की पावर सेवन एक्स, तो क्या गया प्लस सेवन अपॉन साइन की पावर सेवन एक्स, तो इससे ये वाला इंटीग्रेशन क्या होगा कैंसिल आउट, तो ओनली फाइनली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स अपॉन साइन की पावर सेवन एक्स प्लस सी, और फंक्शन आपको इसी फॉर्मेट में मानना है, तो अपॉन में तो साइन की पावर सेवन एक्स है, तो देन जी एक्स आ गया आपका टेन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद तो फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो कि जी एक्स अगर आपका टेन एक्स है, तो सबसे पहले करो उसका जी डेस एक्स, तो जी डेस एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक बार वंस अगेन डिफरेंशिएशन करो तो डबल डेस एक्स क्या होगा, पहले पावर का करोगे तो टू सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो आ गया सेक स्क्वायर इंटू टेन एक्स, यस सर। तो जी डबल डेस पाई बाई फोर क्या होगा, सेक पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू का स्क्वायर टू, टू और टू फोर, टेन पाई बाई फोर वन, तो ये तो आ गया फोर, और सेक स्क्वायर पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू का स्क्वायर इज टू, तो जी डे सॉरी अपन को बताना है जी डैश जीरो, तो जी डैश जीरो तो आ गया अपना सेक स्क्वायर जीरो वन, तो जी डैश जीरो तो आ गया वन, और जी डबल डैश फाइव फोर आ गया आपके पास फोर, तो ये फोर है ये वन है, तो देन इसका एडिशन क्या होगा बोलो, फाइव आंसर आपको फिल करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चले और इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। इस
इसको थोड़ा समझने की ट्राई करना। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक एफ एक्स गिवन है 2x ऑफ 2 माइनस एक्स फोर और x 0 से 2, देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) इज x / 2, ट्रिपल f(x) इक्वल टू x / 2 के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको करने फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अपन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। आप इस लेफ्ट साइड को लेट करो hx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, ट्रिपल f(x) के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और बाद में लेट y इक्वल टू x / 2 के डायग्राम को, और इन दोनों के डायग्राम जितने पॉइंट पे क्या करेंगे इंटरसेक्ट, उतने क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या करना है, आए सब इस fx के डायग्राम को देखो, पहले इस fx का डायग्राम कैसा हुआ, ये क्वाड्रेटिक है ना, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका डायग्राम होगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये 0 पे 0 और 2 पे 0 आ गया, 0 पे 0 2 पे 0 और 1 पे देखो, ये देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये देगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 1 पे कितनी देगा 2, और ये देखो ये 1 पे आ गया 2, ठीक है। ओनली 0 से 2 से मतलब ये fx का डायग्राम है आपका। अब ये एफ एक्स के डायग्राम से क्या करते हैं, अपन को ट्रिपल एफ एक्स का डायग्राम चाहिए, तो एक काम करो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एफ एक्स के डायग्राम की बात करो आप, ये सिमेट्री से देखेंगे बाद में, ये कितनी बार भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एफ एक्स क्या करोगे, एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दो ना, तो क्या आ गया 2fx इंटू 2 माइनस के एफ एक्स। अब आप थोड़ा मेरी तरफ देखना रे, एफ एक्स आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अपने पास, क्या है दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो देखो इनके डायग्राम को कैसे बनाओगे अपन, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये वाई क्वाड्रेटिक, मतलब ये पावर फोर की क्वेश्चन है, इसका मतलब जो डबल एफ एक्स को जीरो करोगे तो इसके मैक्सिमम फोर रूट हो सकते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को फोर पॉइंट पे क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। तो देखो जब आप एफ ऑफ एफ एक्स को जीरो करोगे ना, तो देखो क्या आने वाला है, एक तो से आएगा एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो का मतलब आप इस एफ एक्स को जीरो करोगे तो इम्प्लाइज दैट एक्स आ गया जीरो एंड टू, मतलब जो डबल एफ एक्स है ये जीरो और टू पे जीरो आने वाला है। उसके बाद अंदर वाले को जीरो करना है तो अगेन आ गया एफ एक्स की वैल्यू टू, तो सिंपल सी बात ये है एफ एक्स का आउटपुट टू कब आएगा, जब एक्स को वन लोगे, तो इससे एक सोल्यूशन आ गया वन। इसका मीनिंग क्या है, एक्स को जीरो वन टू लेने पे एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब इसके थ्री सोल्यूशन है जीरो वन एंड टू, समझी मेरी बात को। तो चलो इसके हेल्प से अपन इसके डायग्राम को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे डायग्राम होगा, करें इसको सॉल्व, जीरो पे जीरो लेना है, वन पे जीरो लोगे और टू पे आप जीरो लोगे, ठीक है। तो इसके जब डायग्राम को देखोगे तो इसका डायग्राम बनता ही हूं ऐसे, क्योंकि ये इसका वन इसका रिपीटेड रूट होगा, क्या होगा वन इसका रिपीटेड रूट होगा, समझे मेरी बात को, ये बन गया डायग्राम ऐसे। इतना आने के बाद अब आगे क्या करना है, और देखो ये जो इसका मिड पॉइंट है ये तो आएगा वन बाई टू और ये क्या होगा आपका थ्री बाई टू, इस तरीके से ये मैक्सिमम वैल्यू, और वन बाई टू पुट करो या थ्री बाई टू, एफ ओ वन बाई टू की वैल्यू देख लेना क्या होगी, इसमें भी एफ ओ वन बाई टू की वैल्यू, तो वंस अगेन इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको टू देगा, आपको क्या देगा बोलो, ये वंस अगेन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो टू आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एफ एक्स की वैल्यू पुट करके इसको कंप्लीट और उसका बनाओगे तो दिख जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगेन टू होगी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू टू होगी, और कब होगी वन बाई टू और थ्री बाई टू पे। इतना आने के बाद मतलब इसमें हुआ क्या, जब जीरो से टू में एफ एक्स का डायग्राम था तो एक पोली बनी, जब डबल एफ एक्स किया तो ये दो पोली बन चुकी है इसे, और इसमें क्या होगा, ये अभी तो वन पे मैक्सिमम दे रहा है, फिर इसके वन बाई टू पे मैक्सिमम दिया इसने, वन बाई टू पे और थ्री बाई टू पे, हाफ का हाफ करना अपन को। जब आप ट्रिपल एफ एक्स की बात करोगे तो ट्रिपल एफ एक्स में क्या करोगे, आप ट्रिपल एफ एक्स को जीरो करो दो, या इसमें ट्रिपल एफ एक्स करो ना, चलो एक लिख के दिखाता हूं मैं आपको, इसको हटा देते हैं एक मिनट को, देखो एफ ओ f ऑफ x, तो ये क्या होगा
f ऑफ एक्स डबल एफ एक्स इंटू टू माइनस f ऑफ एक्स। तो जब ट्रिपल एफ एक्स को जीरो करोगे ना तो f ऑफ एक्स को जीरो करना है और f ऑफ एक्स को टू करना है। तो देखो ना f ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कहां होगी, इन तीन पॉइंटों पे होगी। तो एक तो ट्रिपल एफ एक्स डबल एफ एक्स को आपको जीरो करना है, तो डबल एफ एक्स की वैल्यू जीरो वन और थ्री बाई टू पे जीरो होगी और डबल एफ एक्स की वैल्यू टू कहां होगी, वन बाई टू और थ्री बाई टू पे। इसका मतलब ट्रिपल एफ एक्स की वैल्यू जीरो वन बाई टू वन थ्री बाई टू और टू पे क्या होगी, जीरो। तो देन इसका डायग्राम फाइव पॉइंट पे टर्न लेगा। तो इसके जो रफली डायग्राम की बात करोगे तो इसका देखो डायग्राम कैसे बनने वाला है, दिस पांच पॉइंट पे जीरो आएगा, जीरो वन बाई टू वन थ्री बाई टू एंड टू। और देखो वंस अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, टू होगी। अब आप y इक्वल टू एक्स बाई टू की लाइन को देखोगे तो इसमें x को जीरो लेने पे जीरो होगा और x को टू लोगे तो ये वैल्यू वन आपकी इधर देगा, टू पे वैल्यू क्या देगा वन। तो देन ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी ऐसे, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये टोटल इसको क्या करेगी, एट पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो देन ट्रिपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई टू के टोटल सोल्यूशन क्या होंगे, एट। तो आपको इसका एट आंसर बेटा फिल करना, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे मेजर डी टी एस सी थ्री, ठीक है। चलो बेटा थैंक यू।